सीरियसली लेना, ठीक है। चलिए आपकी डीआई यहां से स्टार्ट हो चुकी है, तो एक बार क्लास को भाई लाइक और शेयर कर देंगे, बेहतरीन तरीके से यहां पे आपका होने वाला, ठीक है। बिल्कुल आपने तो कमेंट बॉक्स भर दिया नीति जी, बिल्कुल देखिए जो जानवी जी ने बताया बिल्कुल इस बार जरूर आएगी। बात करेंगे हमारा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस और आपका जो है कॉन्फिडेंस बनाकर रखिएगा, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। 81 से 85 क्या कह रहा है कि आंकड़ों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है 2 महीने में 4 व्यक्तियों द्वारा उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित है, 2 महीनों में कह रहा है कि 4 व्यक्तियों के द्वारा आपको दिया गया, मतलब 4 व्यक्ति कौन था, ए बी सी डी आपके 4 व्यक्ति हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जो है डाटा लिख लेना, सभी का डाटा लिख लेना, ठीक है। यहां पर आपका जो है डाटा लिख लेना, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन, और ये हमारे जो गोले वाले हैं ये हमारे क्या जनवरी को दर्शाते हैं, हमारे ये वाले जो वर्गाकार है हमारे जो है फरवरी को दर्शाते हैं, और यहाँ पे जो व्यक्तियों का उत्पादन जो है टनों में दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 82 का सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, बाकी हम यहाँ पे आपका फरवरी महीने में आपका जो है कुल उत्पादन पैरा की औसत क्या होगा। 82 तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी लोग, 81 आपका छूट गया, सॉरी 81 नंबर बताएंगे सभी लोग, 81 बताइएगा, ठीक है, 82 नहीं। कह रहा है कि जनवरी में ए द्वारा उत्पादन, तो हम देखेंगे जनवरी हमारा कौन सा ये है, तो जनवरी में ए का उत्पादन कितना हो रहा है, हम जो है आपका डाटा लिख देंगे, आपका 4.4 आपका जो है उत्पादन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, बी द्वारा किए गए उत्पादन में कितने परसेंट, जनवरी में बी हमारे बी का जनवरी में कितना उत्पादन हो रहा है आपका यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि आपका ये 2.6 का हो रहा है। अब सभी लोग यहाँ पे निकाल के आंसर बताइए, हमने आपका डाटा भी फिट कर दिया, आपका 4.4 ये हो जाएगा, 2.6 ये हो जाएगा। जब भी आपका डीआई क्वेश्चन है जितना बोला जाए बिल्कुल कनेक्ट करिए। गुड इवनिंग आप लोग बहुत लेट जुड़ी है आज। कह रहा है कि जनवरी में ए द्वारा उत्पादन, कह रहा है जनवरी में ए द्वारा उत्पादन कितना आपका 4.4 हो रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे निकाल लिया, और कह रहा है जनवरी में बी द्वारा उत्पादन हमारा कितना 2.6 हो रहा है, कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखें कितना प्रतिशत हमारा 4.4 और ये हमारा कितना हो जाएगा 2.6, अपान में कितना आ जाएगा हमारा 2.6 आ जाएगा, इससे तुलना करा था ना बी से, ठीक है, अपान में 2.6 हो जाएगा इनटू में आपका 100 हो जाएगा, तो 4.4 से 2.6 घटाएंगे तो हमारा कितना बनेगा आपका 8 बनेगा, और यहाँ पे आपका 1.8/2.6 बनेगा और इनटू में आपका 100 बनेगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो हमारा पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, और ये हमारे जो कितना बार कटेगा देखेंगे आपका लगभग जो बनेगा जाकर के 25 चौके 100, तो 18 चौक 72, मतलब कि आपका 72 के समथिंग आपका आंसर बनेगा, मतलब कि 72 से थोड़े से कम ही आंसर बनेगा, क्योंकि हमने जो 26 है 26 की जगह हमने जो है यहाँ पे 25 मान लिया, ठीक है, 25 हमने मान लिया, तो यहाँ पे 25 से काटेंगे 25 चौके 100, तो ये हमारा 18 चौक 72 है, 72 से हमारा कम ही आंसर बनेगा, तो क्योंकि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी दिख रहा है आपका, 70% लगभग बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। 82 नहीं होगा, आपने कहीं पे जो है रेणु यादव जी प्रियंका यादव जी कहीं पर आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, बाकी आप लोग सही जो है जा रहे थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल 8:30 बजे कनेक्ट आपकी डेली क्लास होती है, बिल्कुल बताएंगे। 82 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि फरवरी महीने में किए गए कुल उत्पादन का औसत बताना, औसत बताना, तो फरवरी महीना हमने बताया था जो हमारे वर्गाकार हैं, तुम्हारे ए में देख लेंगे कितना उत्पादन है, जो आपके सभी का डाटा हम लिख देंगे ताकि आपको समझ में आए, 2.4 हो रहा था, ठीक है। बी में हमारा फरवरी का कितना उत्पादन हो रहा था, हमारा 4.4 का हो रहा था, इसमें आपका जो है सी में कितना फरवरी का उत्पादन हो रहा था, आपका 1.8 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका डी में फरवरी का कितना उत्पादन हो रहा है, आपका 2.8 का हो रहा है। तो यहाँ पे सभी का हमने डाटा आपका लिख दिया, अब हमें जो आपका एवरेज बताना है, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। देखिए गौरव गुप्ता जी, चलिए हमारा औसत और फार्मूला क्या होता है, हमारा औसत बराबर फार्मूला सभी को पता होगा, हमारे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हमें यहाँ पे सभी को जोड़ लेंगे, तो 2.4 हमारे इस प्रकार से जोड़ लेंगे, तुम्हारा 8, 8, 16, 4, 20, 4, 24, 4 बच्चा हमारा, 2 हमारा कैरी बच्चा, तो 2, 1, 3 और 3, 2, 5, 5, 4, 9 हो जाएगा, और 9, 2 कितना हो जाएगा आपका 11, तो 11.4 बनेगा, तो इनका जो हमारा टोटल बनेगा उत्पादन हमारा 11.4 बनेगा, और कितने लोगों का हमारा हो रहा था, 1, 2, 3, 4 लोगों के द्वारा हो रहा था, तो उसको काटेंगे 4 × 8 बनेगा, ठीक है, 4 × 8 और फिर इतना होगा 3 बचेगा, तो पॉइंट में लगेगा हमारा यहाँ पे 34 हो जाएगा, तो मतलब कि 4×6, 24, 4×7, 28, 4×8, 32 हमारा 2.8 और 32 के बाद हमारा 2 बनेगा, फिर हमारा 2.85 बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा मित्र पहला आपका 2.85 जो हमारा एवरेज बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। हमने बोला ना जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन है तो ये सारे डाटा में जो है सबसे पहले लिख लेने, ठीक है, जब भी इस टाइप का डाटा दो, मतलब कि पहचाने में यदि आपको कठिनाई होगी तो सबसे पहले डाटा लिख लेंगे एग्जाम में, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पीपीटी है, इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पे सभी पे डाटा नहीं लिखा जाएगा, बाकी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, बाकी एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, आपको एग्जाम में पूरा डाटा लिख करके करना है, ठीक है। 83 नंबर बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से आंसर बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शिवानी यादव जी, बिल्कुल आपका बीराट है, जितना बोला जाए बस उतना करते रहेगा, आप आसानी से आंसर बता देंगे, ठीक है। 83 कह रहा है कि जनवरी में सी और डी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए उत्पादन, सी की बात करा आपका, डी की बात करा, और किसने आपका जनवरी माह में, तो जनवरी माह हमारे कितने आपके गोला वाले हो जाएंगे, तो सी में जनवरी में कितना हो रहा है 3.6 का यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, डाटा, और डी में हमारे जनवरी में कितना हो रहा है यहाँ पर आपका जो बनेगा यहाँ पे 3 टन का जो है 3 टन का आपका जो है उत्पादन हो रहा है, तो सी प्लस डी में हमारा टोटल उत्पादन कितना हुआ आपका 3.6 से हमारा 3 हो रहा है, तो जोड़ेंगे तो हमारा 6.6 आपका उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार फिर क्या कह रहा था, मिलकर किए गए उत्पादन का कह रहा है फरवरी माह में बी तथा सी द्वारा मिलकर उत्पादन, अब फरवरी माह में कह रहा है कि बी तथा सी द्वारा मिलकर उत्पादन की बात कर रहा है, बी प्लस सी की बात,
कितना फरवरी में, तो बी हमारा आपका ये है और सी आपका ये है, तो बी में फरवरी का उत्पादन कितना आपका यहाँ पर हो रहा है, तो बी में फरवरी का उत्पादन कितना हो रहा है 4.4 का हो रहा है, ठीक है 4.4 का हो रहा है, और सी में फरवरी का उत्पादन जो हमारा हो रहा है मित्र 1.8 हो रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल करेंगे तो हमारा बी प्लस सी का हमारा 4.4 हो जाएगा और 1.8 मतलब कि ये 8×4 12 बनेगा और यहाँ पे 4×1 5 और 1×6 तो 6.2 आपका बनेगा, ठीक है ये 6.2 बनेगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये बताएगा सभी लोग, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि आपको अनुपात बताना, तो रेशियो हम निकालेंगे तो पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा, तो 2 से काटेंगे हमारा 33 बनेगा, ये हमारा 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा, 33:31 ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट। सीधा लाने दी आपकी डेली क्लास आपकी जो है 8:30 बजे यहाँ पे होती है, डेली क्लास 8:30 बजे होती है, ठीक है। अगला बताएंगे 84 क्या कह रहा है कि जनवरी और फरवरी में किए गए कुल उत्पादन, और अभी हमने फरवरी का तो यहाँ पे हमने निकाल लिया था, ठीक है। अभी लास्ट क्लास आपका जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो फरवरी का टोटल निकाल लिया था कितना था हमारा 11.4, तो फरवरी का तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फरवरी हम जो है यहाँ पे टोटल निकालेंगे उत्पादन कितना हो जाएगा हमारा 11.4। अब हमें जनवरी का निकालना है, तो जनवरी का ए में कितना आपका हो रहा था, ठीक है 4.4 हो रहा था इसका, और इसका हमारा जो है 2.6 हो रहा था, और इसका यहाँ पे सी में जनवरी का कितना हो रहा था 3.6 के समथिंग हो रहा था, और यहाँ पे आपका 3 हो रहा था। टोटल हमारा जो निकलेगा जनवरी में कितना निकलेगा इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तुम्हारा 4.4 और 2.6 ये जो बनेगा पारा कितना 6×6 12 और 12×4 कितना हो जाएगा आपका 16 बनेगा, ठीक है 16 बनेगा, और हमारा एक कैरी बचा तो 3×1 4 2 6 6×3 9 और यहाँ पे 9×4 कितना आपका 13 तो 13.6 बनेगा, ठीक है। तुम्हारे जनवरी में टोटल उत्पादन 13.6 है, फरवरी में हमारा 11.4 टन है, तो यहाँ पर आपके अंतर की बात करा था, तो अंतर कैसे निकालेंगे हमारा 13.6 से हम 11.4 घटा देंगे, ठीक है। दो बचेगा 2.2 मतलब कि टन, और एक टन में हमारा कितना होता है आपका 1000 किलो होता है, तो हमारे जो बनेगा आपका ये 2200 किलोग्राम बनेगा, 2200 किलोग्राम बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा, 2200 केजी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा सभी लोग। चलिए 85 नंबर आपका बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, कह रहा कि फरवरी महीने में ए और जनवरी महीने में सी द्वारा किया गया उत्पादन बताना है कुल उत्पादन। तो फरवरी महीने में आपका ए का कितना था आपका, ये था फरवरी महीने में एक, तो यहाँ पे ए का 2.4 था, ठीक है 2.4 था, और फिर कह रहा है सी द्वारा जनवरी में, तो सी द्वारा जनवरी में हमारा कौन सा आपका ये वाला, तो जनवरी में सी कितना आपका उत्पादन कर रहा है मित्र 3.6 हो रहा है, तो कह रहा है कि इन्हीं का कुल उत्पादन ज्ञात करना है, तो कुल हमारा उत्पादन कितना हो जाएगा ए का हमारा कितना 2.4 है, सी का हमने कितना 3.6 बताया है, तो यहाँ पे मित्र जोड़ेंगे हमारा 3×2 5 और 1×6 हो जाएगा हमारा 6 टन जो हमारा टोटल आपका उत्पादन बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, ठीक है सी इज माय राइट बनेगा। थैंक यू गौरव गुप्ता जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। चलिए 86 नंबर का बताइएगा आपका, यहाँ पे आपका जो है दूसरी डीआई यहाँ पे स्टार्ट होती है, तो पहले समझ लेंगे आपका डीआई बेसिकली है क्या, करके 5 अलग अलग इमारतें आपकी दी गई, कौन सी आपकी ए बी सी डी आपकी ये ई, आपकी 5 अलग अलग इमारतें दी गई हैं, इसमें देखा रहा कि कुछ मंजिलों की संख्या तथा खाली मंजिलों की संख्या दी गई, मतलब कि कुल हमारी मंजिल जो हमारी होगी कुल मंजिलों की संख्या जितने भी आपके व्हाइट लाइन हो व्हाइट जो हमारे कॉलम होंगे ये हमारे सारे हमारे कुल मंजिल होंगे, और हमारे खाली मंजिल वाली इसकी संख्या जो हमारी होगी हमारे जितने भी आपके ब्लैक कॉलम दिख रहे हैं ये सारे हमारे खाली मंजिल वाले कॉलम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मंजिलों की कुल संख्या बराबर हमारा फार्मूला दिया हुआ है, कंडीशन दी गई कि मंजिलों की जो हमारी कुल संख्या होगी वो हमारी खाली मंजिलों की संख्या प्लस अधिकृत मंजिलों की संख्या होगी, मतलब कि खाली जितनी भी मंजिल होगी और हमारी भरी हुई मंजिलों की संख्या जो होगी हमारी मंजिलों की संख्या होगी, बट हमारी कुल मंजिलों की संख्या दी गई और हमारी खाली मंजिलों की दी गई है, तो हमें यहाँ पे भरी वाली निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करें, थोड़ा सा आप लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इमारत भी की बात करें तो इमारत भी कहां पर तुरंत हमने जो देखा इमारत भी आपकी यहाँ पे है, फिर कह रहा है इमारत ये हमारे कहां पे आपका हमने देखा आपका तुरंत यहाँ पे, कह रहा है कि मंजिलों की संख्या के बीच का अनुपात अधिकृत की बात कर रहा है, तो कह रहा है अधिकृत मंजिलों की संख्या के बीच का अनुपात बताना है, और हमें अधिकृत तो पता है नहीं क्योंकि हमारी कुल मंजिलों और हमारी खाली मंजिलों का डाटा दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे अधिकृत निकल सकता है कैसे, हमारा हमारी कुल मंजिलों की कुल संख्या जो हमारी होगी वो खाली मंजिलें और हमारी प्लस भरी हुई मंजिलों की बराबर होगी, तो यहाँ पे भरी मंजिलों की हम निकालेंगे तो हमारा जितनी भी आपकी कुल मंजिलें होंगी उसमें से खाली मंजिलें घटा देंगे तो हमारी भरी मंजिलें आ जाएंगी, तो बी में देखेंगे हमारी भरी मंजिलें कितनी कुल मंजिलें कितनी आपकी 1400 हो जाएंगी, ठीक है बी में हमारी 1400 मंजिलें हो जाएंगी, और यहाँ पे जो हमारी खाली वाली मंजिलें बनेंगी हमारी 200 और यहाँ पे कितना 240 के समथिंग आपका बनेगा जाकर के, ठीक ये सॉरी आपका 280 के समथिंग आपका बनेगा जाकर के, ठीक 280 यहाँ पे आपकी खाली मंजिलें बनेगी। इसी प्रकार ए में जो हमारी टोटल कुल मंजिलें बनेंगी आपकी मित्र 1200 बनेंगी मंजिलें, और यहाँ पे जो हमारी खाली वाली मंजिलें बनेगी मित्र आपकी 360 के समथिंग बनेगी, ठीक है 360 बनेगी। आप कह रहा थी हमें अधिकृत मतलब की भरी हुई मंजिलों का निकालना है, तो हम बी में भरी हुई मंजिलें निकालेंगे तो हमारे कितना निकलेगा, बी में भरी हुई मंजिलें 1400 से हम 280 घटा देंगे तुम्हारी ये अधिकृत वाली निकल आएंगी, ठीक है तुम 1400 से यद मित्र जो घटाएंगे आपका 280 थोड़ा सा इधर लिख देंगे ताकि आपका स्पेस मिल जाए काफी आपका स्पेस हो जाएगा, ठीक है पेन चेंज भी कर लेंगे आपका ओके। तो हमारी बी में जो हमारी अधिकृत मंजिलें आ रही है कैसे, हमारे जो टोटल हमारी 1400 थी, ठीक है 1400 थी जिसमें से हमारी खाली वाली कितनी 280 है, तो इनको घटाएंगे तो मित्र कितना बनेगा आपका 1200 मतलब कि 1120 के समथिंग आपका ये बन जाएगा, ठीक है 1120 बनेगा। इसी प्रकार में कितना मित्र निकालना आपका ई में निकालना, ई में मित्र कैसे निकालेंगे, ई में हमारी टोटल जो मंजिलें आपकी 1200 है
इसमें से आपकी जो है खाली वाली मंजिलें 360 है, तो 1200 से हम 360 घटा देंगे खाली वाली, तो हमें पता चल जाएगा कितनी आपकी मंजिलें भरी हुई है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा, 9840 के समथिंग आपका ये बनेगा जा सकता है, ठीक 840। अब आपका इसका कह रहा है कि आपका अनुपात बताना है, अनुपात बताना आपका 0 से 0 में तो कट जाएगा ये। अब इसको काटेंगे किससे काटेंगे, 16 से कट जाएगा, 16 से आपका कट जाएगा, ओके बाकी आपका कट जाएगा 7 से कट जाएगा, ठीक है 7 से काटेंगे हमारा, 7 एकम 7, 7 6 42, ठीक है और यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 4 को 16, 4 से 12, तो 4 ratio 3 आपका जो यहाँ पे अनुपात बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। समझ में आया है कि नहीं बताएगा, सभी को समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे सभी लोग, समझ में आया कि नहीं बताएगा सभी लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। 87 नंबर बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप यहाँ पे जो है आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, और हमने आपको बता भी दिया बेसिकली क्वेश्चन आपका किस टाइप का है। पहला कि इमारत सी, तो इमारत सी की बात करें तुरंत हमने जो है इमारत सी में गोला लगाया। पहला कि उसके अधिकृत मंजिलों की संख्या, अथवा अधिकृत मंजिलों की संख्या कैसे निकलेगी, टोटल हमारी है जाएंगे यहाँ पे 600 इमारत हो जाएंगे, ठीक है सी में हमारी टोटल जो हमारी मंजिलें बनेंगी आपकी 600 बनेगी, जिसमें से हमारी जो खाली वाली मित्र है आपकी कितनी है, ठीक है ये खाली वाली जो हमारी बनेगी यहाँ पे 87 है आपका, ये हमारी जो बनेगी 400 हो जाएगा, ठीक है 400 हमारे कितना हो जाएगा आपका 380, ओके 360, और यहाँ पे जो बनेगा आपका कितना ये 300 आपका 20 के समथिंग बनेगा जाकर, ठीक है 320 आपका बनेगा जाकर ये, ठीक है सी में। और इसी प्रकार हमें जो है किसकी निकालना आपका ए में रिक्त मंजिलों की संख्या, ए में कर आपकी रिक्त मतलब ये खाली वाली, तो ए में रहा खाली वाली हमारी कितनी मित्र है आपकी 280 बनेगी जाकर, ठीक है 280 आपकी यहाँ पे बनेगी जाकर। अब यहाँ पे क्या करेंगे आपको जो है सी में अधिकृत वाली की निकालना है, तो सी में अधिकृत निकालेंगे तो हमारा 0 बनेगा और आपका 8 बनेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा आपका 300, ओके तो यहाँ पे आपका डाटा जो थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा है आपका 220 हो जाएगा, 20 और 40 80 और यहाँ पे 60 और आपका 100 बनेगा, ठीक है तो यहाँ पे आपका जो बनेगा मित्र कितना बनेगा, एक मिनट ये हमारा 240 यहाँ पे बनेगा, ठीक है 240 बनेगा, ठीक है यहाँ पे आपको मिलान करना पड़ेगा भी जो आप एग्जाम में करके आपको ये इस प्रकार से आपका स्केल लेके जानी है तो आपको मिलान करना पड़ेगा, तो 240 बनेगा, तो सी में हमारे जो अधिकृत वाले बनेंगे जब हम टोटल वाले से हम खाली वाले घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका सी का जो अधिकृत वाले 360 बनेगा, ठीक है और यहाँ पे ए वाले की किसी खाली की बात कर रहा था, ए में हमने खाली वाले कितने आपके 280 निकाले हैं, तो यही बात कर रहा था कि अरे मंजिलों में खाली में कितने प्रतिशत कह रहा कि कम है, तो कितने प्रतिशत कम आपका हो रहा है देखेंगे, ये 360 से हमारा 280 हो रहा है, 360 से 280 हो रहा है, अपान में 360 हो जाएगा और इंटू में आपका 100 हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे बाकी आपको आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा हमारा ये 80 हो जाएगा, ठीक है 80 बटे हमारा 360 और इंटू में आपका 100 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये लगभग जो बनेगा जाकर के आपका 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और यहाँ पे 8 को 32, तो मतलब कि आपका 25% के आपका आसपास बनेगा जाकर, ठीक है तो कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ये 22% से आपका कम बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट बनेगा, 22% बनेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। 320 कैसे आया, कहाँ पे 320 आया आपका, ये 240 है मित्र, 240 है यहाँ पे, ठीक है 240 आपका डाटा दिया हुआ है इसका और 600 इसका, तो इसको घटाएंगे तुम्हारा यहाँ पे 360 बनेगा ना, चलिए अगला 88 देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे सभी लोग, कह रहा है कि इमारत बी और कह रहा है सी में एक साथ अधिकृत मंजिलों की कुल संख्या, कह रहा है इमारत बी की बात कर रहा है, ठीक है और आपकी सी की बात कर रहा है, कह रहा है इनमें हमने जो है अधिकृत मंजिलों की संख्या निकाली, तो बी में हमने अधिकृत की निकाली थी लास्ट वाले क्वेश्चन में, हमारा कितना आपका 260 के समथिंग घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 1120 बनेगा, ठीक है 1120 हमारी अधिकृत वाली बी में बनेगी, और सी में अधिकृत वाली हमारी जो बनेगी आपकी 280 के समथिंग बनेगी, ठीक है 280 के समथिंग आपकी बनेगी, अब ठीक कह रहा है कि डी और ई में, कह रहा है डी और ई में अधिकृत मंजिलों की संख्या, तो डी में हमारी अधिकृत मंजिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम जो माइनस करके निकालेंगे तो आपका लगभग जो बनेगा जाकर के ये 600 हो जाएगा, और ये हमारा जो ई में बनेगा हमारा कितना हो जाएगा आपका, ये हमारा जो बनेगा आपका 840, बाकी अभी हम जो है पूरे लास्ट क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे आपको सभी का हमने निकाला था 280 यहाँ पे निकला था, 1400 आपका ये निकला था, यहाँ पे आपका अधिकृत की बात कर रहा था, ठीक है ठीक है हमारे 1400 हमारा घटाएंगे तो आपका सिंपल सा आपका ये बचेगा, तो हम करेंगे क्या क्वेश्चन बेसिकली क्या कर रहा था कि बी और सी में कर रहा कि अधिकृत कुल, तो बी हम सी का पहले निकालेंगे तो बी और सी में हमारा टोटल कितना बना आपका 1120 हमारा 280 हमारा 1200 हो जाएगा, 1200 तो बी प्लस सी के हमारे जो अधिकृत संख्या बनेगी हमारी 1400 बनेगी, इसी प्रकार टी प्लस ई का हम निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा टोटल ये हमारा 8 6 14 1440 आपका बनेगा जाकर, ठीक 1440 बनेगा,
अब कह रहा है कि इन्हीं के बीच का अंतर बताना है, तो 1400 1440 के बीच में अंतर जो बनेगा हमारा, बताइए हमारा जो अंतर बनेगा आपका कितना बनेगा आपका यहाँ पे 40 बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका, कौन सा आपका पिछला वाला बताएं कनक जी, आपको कुछ नहीं करना, 28% आया है मेरा, 28% आपका कैसे आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे ना, हमारा जो 816 का स्पॉट भी लेंगे तुम्हारा समथिंग आपका 22% आएगा आपका, जो है बिल्कुल सही जो है यहाँ पे हमने कराया है आपका, यहाँ पे 240 था बिल्कुल, आपको ध्यान दे देगा दोबारा से आपको आ जाएगा बिल्कुल कनक जी आपका यहाँ पे, चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सीधा बनेगा, ये वाला समझ में आया कि नहीं बताइएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, हमने बोला ना डीआई को आपको 15-20 क्वेश्चन आने, 20 क्वेश्चन डीआई में, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे, 5 क्वेश्चन आपके दिमाग खिलाने वाले होंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके दिमाग खिलाने वाले, तो उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है, और हमने बोला ना कि आपको डीआई सॉल्व करते समय आपकी नजर बहुत तेज होनी चाहिए और आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि इमारत ए के प्रत्येक अधिकारी अधिकृत वाली मंजिल पर 3 व्यक्ति रहते, मतलब कि इमारत ए कह रहा है और कह रहा है कि हर अधिकृत की बात कर रहा, तो यहाँ पे अधिकृत कितने निकले थे हमारे ए में, ठीक है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे अधिकृत यहाँ पे जो निकले थे आपके 600 निकले थे, ठीक है, 600 आपके 800 आपके ये थे 200 ये थे, तो हम दोनों का जो है आपका अंतर निकालेंगे, तुम्हारा कितना 600 निकल आएंगे, फिर कह रहा है इसमें आपका 3 व्यक्ति रहते, तो हमारा ए में कितना हो जाएगा टोटल 600 हमारे अधिकृत मंजिले हो जाएंगे भरी हुई मंजिले, और इसमें प्रत्येक मंजिल पर आपका 3 व्यक्ति रहते, तो हमारा टोटल जो हमारे व्यक्ति रहेंगे हमारे कितने 1800 बनेंगे, 600 × 3 हो जाएगा ना, 600 × 3। फिर अगला क्या कह रहा है कि और इमारत डी के प्रत्येक अधिकृत वाली मंजिल पर 2 व्यक्ति रहते, कह रहा कि अब डी की बात करें तो डी में हमारे अधिकृत वाले कितने थे हमारे, यहाँ पे आपका 1000 लोग थे, ठीक है, और यहाँ पे कितने आपके ये थे लगभग 400, मतलब कि इसमें भी आपका 600 लोग अधिकृत वाले थे, ठीक है, अधिकृत वाले इसमें भी आपके डी में 600 लोग थे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपके 2 ही व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, इसमें आपके 2 ही व्यक्ति रहते हैं, तो हमारे डी में कितने बनेगा आपका 6 × 1200, मतलब कि 1200 बनेगा, जब 600 हमारी टोटल मंजिल है, 600 में प्रत्येक में आपका 3-3 व्यक्ति रहेगा, तो हमारे टोटल 1800 हो जाएंगे, इसमें 1200 हो जाएंगे, कह रहा कि वाली मंजिल पर कह रहा 2 व्यक्ति रहते कर, तो इन 2 इमारतों में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी, अब कह रहा कुल संख्या बतानी, तुम्हारा 1800 या 1200 को जोड़ेंगे तुम्हारा टोटल संख्या जो बनेगी कोई बात नहीं दीदी, तो ये हमारा 3000 बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा, जो हमारा टोटल बनेगा आपका बी आपका राइट बनेगा। आप लोगों को केवल ये फार्मूला याद रखना है, बस इसी कंडीशन में सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, बिल्कुल गुड इवनिंग वेरी जी, वेरी गुड इवनिंग रजनी जी। 90 नंबर देखेंगे आपका, बताएगा सभी लोग, कह रहा है कि सभी 5 इमारतों में अधिकृत मंजिलों की कुल संख्या का औसत बताना क्या बनेगा, तो बताएंगे कुल संख्या का आपका औसत बताना है, सभी 5 इमारतों में अधिकृत की बात कर रहा है, तो हमने ए में कितना अधिकृत निकाला था आपका, ध्यान से समझिएगा, आपका ए में हमारे 600 अधिकृत निकले थे, और बी में हमारे कितना निकला था आपका, बी में जो निकले थे हमारे ये आपका 1120 निकले थे, ठीक है, और हमारे सी में अधिकृत वाले निकले थे हमारे कितने निकले थे, आपके डियर जो है 280 निकले थे, डी में हमारे डियर कितने निकले थे आपके 600 निकले थे, और यहाँ पे ई में कितने निकले थे आपके 840 निकले थे, ठीक है, यहाँ सभी का आपका डाटा आ चुका है, आपका एवरेज की बात कर रहा, तो हमारा एवरेज क्या होता है, हमारा कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यहाँ पे 600 हम जोड़ेंगे और आपका ये जोड़ेंगे 600 1200 और 12 कितना हो जाएगा आपका 2000 2040 हो जाएगा और 2060, ठीक है, 3060 बनेगा आपका, 3160 बनेगा और यहाँ पे जो बनेगा 5160 और 5160 प्लस हमारा 80 करेंगे तो लगभग जो ये बनेगा जाकर के हमारा, सॉरी हमने जो है गलत जोड़ दिया क्या, 600 1200 और 12 कितना हो जाएगा आपका 2040 बनेगा और ये हमारे बनेगा 2040 आपको, सॉरी आपका 3040 हो जाएगा, ठीक है, 3040 और ये हमारा कितना हो जाएगा 300 और 400, तो हमारा जो बनेगा लगभग हमारा 3440 बनेगा, ठीक है, 3440 बनेगा टोटल, टोटल आपका, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा थी औसत बताना, तो हमारे टोटल कितने लोग थे हमारे 1 2 3 4 5, 5 से हमें डिवाइड कर देना, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पे जो बनेगा 5 × 30, ठीक है, और यहाँ पे 4 बनेगा 5 × 48, तो हमारा 688 बनेगा हमारा 688, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, इसको भाग करेंगे तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका बिल्कुल राइट बनेगा, देखिए बिल्कुल आपका राजनेश जी का आपका आ चुका है, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन ये भी है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो भाई इसका सभी लोग आंसर करिएगा, कह रहा है कि नीचे देखा तालिका 5 कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या के साथ साथ इन कर्मचारियों के पुरुष और महिला का अनुपात दर्शाती है, मतलब कि इधर हमारे पुरुष वाले हो जाएंगे ये वाले और इधर वाले महिलाओं का अनुपात हो जाएगा, कह रहा है कि तालिका का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए होकर उसके बाद आंसर को करना, हमारे कुल कर्मचारी आपके ये हैं, ठीक है, हमारे पुरुष और महिला का अनुपात आपका ये दिया गया, सभी लोग समझेंगे और एक बार क्लास को फिर से शेयर कर देंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं आपके ज्यादा चांस है इसके पूछे जाने के, तो सभी लोग एक बार ध्यान समझेंगे, ठीक है। 91 क्या कह रहा है समझेंगे थोड़ा सा सभी लोग, कह रहे कि एक कंपनी ए और कह रहा है बी में पुरुषों और कह रहा है ए कंपनी एक साथ कंपनी कह रहा है ए और सी में महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना, कह रहा है ए और बी हमारे कंपनी में कह रहा है कि पुरुषों का अनुपात बताना, तो हमारे ए में निकालेंगे आपके पुरुष कितने निकलेंगे, हमारी ए कंपनी आपकी ये है तो ए कंपनी में कुल कर्मचारी हमारे 720 है, आपके 720 तो हमारे कर्मचारी है, जिसमें से आपके पुरुष कितने आपके 5 है, महिलाएं कितने आपकी 3 है, आपके पुरुष 5 है महिलाएं 3 है, टोटल हमारे कितने लोग हो जाएंगे आपके 8 लोग हो जाएंगे, हमारा 720 बटे हमारा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे पुरुष कितने बनेगा हमारे 5 बनेंगे, ठीक है, 5 बटे 8 मतलब कि आपका बनेगा, तो ये जो बनेगा आपका टोटल
आठ नौ बहत्तर मतलब की नौ पना पैंतालीस साढ़े चार सौ आपके जो बनेंगे। तो ए में जो हमारे पुरुष बनेंगे हमारे साढ़े चार सौ बनेंगे। इसी प्रकार बी में पुरुष निकालेंगे मित्र कितना बनेगा आपका, बी मैंने छह सौ नब्बे है टोटल और जिसमें से अनुपात हमारे तेरह और आपका दस दिया मतलब की तेरह दस कितना हो जाएगा आपका तेईस हो जाएगा और तेईस में से तेरह लोग जो हमारे आपके पुरुष है तेरह बटे हमारा कितना हो जाएगा आपका तेईस हो जाएगा। अब तेईस से काटेंगे तेईस से उनहत्तर मतलब की तीस बजेगा और तीन सौ नब्बे हो जाएगा ठीक है। ये तीन सौ नब्बे बनेगा ए प्लस बी में हमारे टोटल पुरुष कितने हो जाएंगे आपके साढ़े चार सौ प्लस तीन सौ नब्बे जोड़ेंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा और नौ पांच चौदह हो जाएगा चार दिन सात और एक आठ मतलब कि आठ सौ चालीस बनेगा ठीक। आठ सौ चालीस बनेगा यहां तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी बताएगा सभी लोग किसी को कोई दिक्कत या परेशानी। अब यहाँ पे पुरुष वाले तो आ चुके हैं तो चलिए इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। इसके बाद जो है देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे समझेंगे। आगे क्वेश्चन बेसिकली क्या कर रहा है, ये कह रहा है एक साथ कंपनी कह रहा है ए और सी। अब कह रहा है ए और सी में महिलाओं का अनुपात बताना तो हमारे ए में महिलाएं कितनी निकलेंगी हमारी सात सौ बीस हमारे टोटल लोग हैं इसमें महिला हमारे पांच जब पुरुष हैं तीन महिलाएं तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे आपके आठ लोग हो जाएंगे तो आठ में से तीन लोग क्या हमारी महिलाएं बनेंगी तो तीन बटे आठ हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारे आठ नौ बहत्तर नब्बे कितना आपका दो सौ सत्तर बनेगा तो हमारे ए जो हमारा कंपनी में आपके दो सौ सत्तर आपकी महिलाएं हो जाएंगी ठीक है। इसी प्रकार हमें जो आपके किसके सी की बात कर रहा तो सी में महिलाएं कितनी हो जाएंगे आपके छह सौ नब्बे तो हमारे टोटल लोग हो जाएंगे इसमें से तेरह पुरुष हैं दस महिलाएं मतलब की टोटल आपकी जो है यहाँ पे तेईस लोग हैं तो तेईस में से आपकी दस क्या आपकी महिलाएं तो दस बटे आपका तेईस हो जाएगा इसको काटेंगे हमारे तेईस से उनहत्तर हो जाएगा मतलब की तीस मतलब की तीन सौ बनेगा हमारे ए प्लस सी में हमारी जो महिलाएं मित्र बनेंगे हमारी कितनी हो जाएंगी 270 और 300 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा 570 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। ले आगे बढ़ते आपका अनुपात की बात कर रहा था हमारे जीरो से जीरो में तो कट जाएगा हमारा इसको किससे काटेंगे आपका दो से कट जाएगा दो से काटेंगे दो चाकू आठ और दो दूनी चार फिर यहाँ पे दो से नहीं कटेगा ठीक है दो से आपका यहाँ पे नहीं कटेगा तो हमारा किससे कटेगा देखेंगे कैलकुलेशन सही लिखा हुआ है बताएंगे सभी लोग कैलकुलेशन सही है कि नहीं ये बताएगा आठ चार बारह सात पांच बारह तो तीन से कट जाएगा हमारा तीन से काटेंगे हमारा तीन दूनी छह बनेगा ठीक है और यहाँ पे तिरिया चौबीस ठीक है। इसी प्रकार हमारा तीन से काटेंगे और तीन दूनी तीन एकम तीन बनेगा और यहाँ पे कितना बनेगा तीन नौ सत्ताईस तो हमारा अट्ठाईस रेशियो उन्नीस बन रहा है। क्या कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है आपका तो नब्बे ए और सी में महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना है यहाँ पे आपका ओके ये तो क्लियर हो जाएगा। कहीं पे किसी प्रकार की आपका डाउट लग रहा है सॉरी 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 फॉर दैट ने यहाँ पे आपका बी का निकाल दिया है सॉरी फॉर दैट आपने जो आपको बताया भी नहीं आपने सी की बात करा था ना हमने यहाँ पे बी का निकाल दिया सॉरी फॉर दैट सी का हमारा बात कर रहा था सी में हमने यहाँ पे 740 थे हमारे तो 740 में से हमारी जो है कितनी आपके जो है सोलह पुरुष थे हमारी 21 महिला थी तो टोटल यहाँ पे कितने लोग थे हमारे सात और यहाँ पे कितना दो 37 लोग थे तो 37 में से 21 हमारी क्या हो जाएंगे आपकी महिलाएं बनेंगे ठीक है। ये हमारी महिलाएं बनेंगे तो इसको 37 से काटेंगे तो हमारा 20 बनेगा तो हमारा कितना बनेगा आपका 420 बनेगा जाकर के ठीक है 420 बनेगा तो यहाँ पर आपका जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सॉरी फॉर दैट चलेगा। यहाँ पे जो हमारा 420 है तो 420 हमारा हो जाएगा टोटल तो इसको जोड़ेंगे हमारे टोटल महिलाएं कितनी बनेगी आपकी ए प्लस सी में जीरो बनेगी आपका सात दो नौ बनेगा ठीक है और चार दो छह सौ नब्बे बनेगी। आप जीरो से जीरो काटेंगे तो हमारे यहाँ पे तीन से कट जाएगा तो हमारा तीन से कटेगा हमारा 28 हो जाएगा आपका ये 23 हो जाएगा तो हमारा 28 रेशियो 23 बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल टी आपका राइट बनेगा बिल्कुल नहीं दीदी थैंक यू ऑप्शन नंबर टी राइट बनेगा। इसी प्रकार इसीलिए हम बोलते हैं आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को और कैलकुलेशन को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है यदि आपका मिस्टेक हो गया तो आपका बहुत ही लंबा टाइम खींच जाएगा इसीलिए बहुत ही सावधानी से करना है। कंपनी ए बी डी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना औसत संख्या ज्ञात करना कह रहा है ए और बी और कह रहा है डी की बात कर रहा है ए की बात कर रहा है बी की बात कर रहा है आपका डी की बात कर रहा है आपका ई की मतलब कि इन चार कंपनियों की बात कर रहा है कह रहा है इनमें से काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या बताने ए में कितने हमारे 720 कर्मचारी हैं बी में 690 हैं और डी में हमारे 1050 हैं और ई में आपका 1230 है तो हमारे कुल कर्मचारी जो बनेंगे हमारे कितने बनेंगे जोड़ेंगे हमारा जीरो हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे पांच तीन आठ आठ नौ सत्रह सत्रह दो कितना हो जाएगा आपको 19 बनेगा एक आपका कैरी बचा तो दो एक तीन और तीन छह नौ हो जाएगा नौ सात सोलह हो जाएगा फिर एक कैरी बचा हमारा यहाँ पे एक एक दो और एक तीन बनेगा तो 3690 आपका बनेगा जाएगा ठीक है 3690 बनेगा। अब यहाँ पे एवरेज की बात कर रहा था तो हमारा औसत बराबर क्या निकलेगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 3690 बटे हमारे कितने की बात कर रहा था हमारा एक दो तीन चार लोगों की बात कर रहा था हम चार से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे चार नौ यहाँ 36 बनेगा और चार दुनिया आठ बनेगा फिर आपका चार दुनिया 8.5 बनेगा तो हमारा जो बनेगा 92.5 बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी आपका 922.5 बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन था आपका देखिए प्रियंका गुप्ता जी का राइट आंसर भी आया रनेश जी वेरी गुड ओम नारायण जी वेरी गुड। चलिए 93 नंबर बताएंगे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और बताइएगा सभी लोग कह रहे कंपनी डी में महिलाएं कह रहे कंपनी डी में महिला और कह रहा कंपनी ए में महिलाओं से कितने प्रतिशत अधिक है। अब कंपनी डी में हमें महिलाएं निकालनी है तो कंपनी डी हमारी कहां पे आपका ये हमने गोला लगा दिया इसमें आपका 1050 लोग हैं ठीक है सर 22 पुरुष हैं आपके 13 महिलाएं हैं तो टोटल यहाँ पे कितने बनेंगे आपके 22 तीन 25 दस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 35 लोग आपके बनेंगे ठीक है 35 लोग हो जाएंगे जिसमें से 35 में से 13 क्या होंगे आपकी महिलाएं हैं तो हमारी 1050 टोटल कर्मचारी थे डी में जिसमें आपके 13 बटे 35 क्या हो जाएंगे आपकी महिलाएं हो जाएगी
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा पांच से कटेगा, पांच से तो कट जाएगा, तीन से कटेगा, ठीक है, तीस हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे तेरह उनतालीस, मतलब डी में जो हमारी महिला बनेगी केवल केवल आपकी 390 बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार हमें जो ए की बात करना है, ए में हमें अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ए में हमने जो महिलाओं की संख्या निकाली थी कितनी निकली थी आपकी 270 निकली थी, ठीक, 270 निकली थी, हमें दोबारा से यहाँ पे नहीं निकालनी पड़ेगी। तभी हमने बोला आपका ओवरराइटिंग कभी भी नहीं करना डीआई में, तो 270 यहाँ पे आपकी महिला निकली थी, ठीक है, और 390 यहाँ पे आपकी महिला निकली थी। कह रहा कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखें कितना अधिक हमारा 390 से हमारा 270 इतना अधिक हो जाएगा, और अपान में कितना बनेगा हमारा, किससे तुलना करा था आपका, ये जो तुलना करा था आपका ए से करा था, 270 अपान में आ जाएगा इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 390 से 270 जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, आपका दो हो जाएगा, 120 बचेगा, अपान में 270 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा, ठीक। इसको काट लेंगे हमारा, जीरो से जीरो कटेगा हमारा, और 12 दूनी 24, ठीक है, ये हमारा 50% से आपका कमी बनेगा, थोड़ा सा आपका कम बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 50 से कम, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, ठीक है, 44.44% ऑप्शन नंबर सी आपका मित्र बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा सभी लोग, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका हो जाएगा। चलिए 94 नंबर बताएंगे यहाँ पे, कह रहा है कि एक साथ कंपनी सी और डी में पुरुषों की संख्या, कह रहा है एक साथ कंपनी बी और ई में महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर बताना है। कह रहा है सी और डी, तो सी हमारा कहां पे आपका ये है और डी हमारा ये, सी और डी में कह रहा है आपकी पुरुषों की संख्या, तो हमारे सी में पुरुष निकालेंगे कितने बनेंगे आपका 740 टोटल लोग हैं, जिसमें आपके पुरुष कितने आपके 16 और रेशियो 21 में है, तो 16 हमारे पुरुष हो जाएंगे, 21 महिलाएं हो जाएंगी, तो टोटल यहाँ पे जो बनेगा 27 37 37, मतलब कि 37 लोग आपके टोटल बनेंगे, ठीक है, तो 37 में से 16 हमारे क्या हो जाएंगे पुरुष, तो 16 बटे हमारा 37 हो जाएगा, अब 37 से काटेंगे दो बार तो हमारे 20 हो जाएगा, तो सी में जो हमारे पुरुष बनेगा 16 दूनी 32 मतलब कि 320 बनेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर बताइएगा सभी लोग। इसके बाद कह रहे हैं डी में पुरुषों की संख्या, तो डी में पुरुषों की निकालेंगे कैसे निकलेंगे, हमारे टोटल जो हमारे थे डी में कितने 1050 लोग थे, जिसमें आपकी 13 महिलाएं थी आपके 22 पुरुष थे, ठीक है, तो हमारी 13 महिलाएं कितने फिर थी हमारी, टोटल हमारे कितने लोग थे यहाँ पे 22 3 25 10 35 35 हो जाएगा, हमारा 3 से 1 कटेगा 30 हो जाएगा, तो 13 मतलब कि 390 बनेगा। तुम्हारा सी और डी में पुरुषों की जो टोटल संख्या निकलेगी कितनी निकलेगी देखेंगे, सी प्लस डी में इसमें 320 है, इसमें 390 है, यहाँ पे 6 6 3 3 6 700 710 के समथिंग आपका बनेगा जाएगा, ठीक है, 710 बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी, तो 710 हमारे जो यहाँ पे पुरुष बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा कि बी और ई में महिलाओं की संख्या चलेगा, देखेंगे बी और ई में महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे आपका क्लियर कर देंगे ताकि आपका स्पेस कम है। चलेगा अब बी और ई की बारी आ गई, ठीक है, बी और ई की बारी आ गई, तो बी में हम महिलाएं निकालेंगे कितनी निकलेंगी, बी हमारा कहाँ पे आपका ये है, और अभी हमने निकाला भी था कितना निकला था आपका ये 300 निकला था, ठीक, 300 निकला था हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका निकाला भी था, यहाँ पे निकाला था आपका एक में, ठीक है, तो 300 आ जाएगा, बाकी हम निकाल भी सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जो ई में महिलाएं संख्या निकलेगी, तो हमारे ई में कैसे निकालेंगे, ई हमारा आपका ये है, तो ई में हमारे 1230 टोटल लोग हैं, इसमें से हमारे दो हमारे पुरुष हैं एक महिला है, तो टोटल हमारे तीन में से हमारी एक महिला है, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 × 12 और 1 हमारे 410 बनेगा, ठीक है, 410 हमारी ई में महिला बनेंगे, बी में हमारी 300 महिलाएं बनी, तो टोटल हमारी बी प्लस ई में महिलाएं कितनी बनेंगी मित्र, बी प्लस ई में महिलाएं बनेंगी आपके ये 710। ओके कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, ये आपका 710 बनेगा, बाकी सी प्लस डी वाला कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, 637 तो हो जाएगा, और 16 × 32, ठीक है, 320 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा टी का देखेंगे, टी का हमारा कितना आपका 35 थे, तो 22 थे, सॉरी आपका यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है मिस्टेक हुआ है, 22 6 6 हो जाएगा, 660 हो जाएगा, 0 6 2 है, सॉरी फॉर देट, आपका सी प्लस डी का जो निकलेगा यहाँ पे आपका 980 निकलेगा, 980 निकलेगा यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका मिस्टेक हो चुका है, 980 निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा था इनके बीच का अंतर बताना, तो हमारा अंतर जो निकलेगा कितना, 980 से हम 710 घटाएंगे, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2, तो 270 जो बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट, 270 इज द राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, वेरी गुड वेरी गुड प्रिया गुप्ता जी, वेरी गुड, आपने बताया 980 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 95 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन आपका बताएंगे सभी लोग, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे भाई, और क्लास को अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। कह रहा कि यदि 90 पुरुषों ने, कह रहा कि यदि 90 पुरुषों ने कंपनी बी को छोड़ दिया और कह रहे 200 नई महिलाओं ने कंपनी बी में नई भर्ती को भर्ती की, तो कह रहे तो कंपनी में महिलाओं का कितना प्रतिशत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहे 90 पुरुषों ने कह रहा कंपनी बी को छोड़ दिया, अब कंपनी बी में टोटल कितने थे हमारे कर्मचारी, 690 थे, ठीक है, 690 आपके थे, जिसमें से कह रहा कि हमारे 90 पुरुष केवल पुरुष ने केवल छोड़ा है, तो हमने ए में कितने पुरुष निकाले थे आपका, ए में पुरुष जो निकाले थे हमारे कितना आपका कितना निकला था, ठीक है, आपका सॉरी बी की बात कर रहा था, बी की बात कर रहा था, सॉरी फॉर दैट, बी में हमारे 690 थे, जिसमें से हमारे 13 मतलब 1300 690 हमारे टोटल थे, जिसमें से हमारे 13/23 हमारे जो निकले थे पुरुष, तो पुरुष कितने हो जाएगा हमारे 23 मतलब 390 पुरुष हो जाएंगे, जिसमें से कह रहा कि 90 पुरुषों ने कंपनी बी को छोड़ दिया, तो 90 ने जो आपको छोड़ दिया हमारे कितने बचे आपके 300 पुरुष बचे, केवल आपके 300 पुरुष बचे हुए, ठीक है, क्योंकि 90 ने आपको छोड़ दिया, समझने का भाई प्रयास करेंगे थोड़ा सा। फिर कह रहा और 200 नई महिलाओं ने कंपनी बी में नई भर्ती
ठीक। अब कह रहा है महिलाएं जो हमारी बी की, सॉरी बी था यहाँ पे, तो बी में जो हमारी महिलाएं थी कितनी थी हमारी, ये 690 का हमारा जो था 10/3 था, मतलब कि आपका ये 300 महिलाएं थी, 300 महिलाएं थे। इसमें देखा आपकी 200 महिलाएं आपकी नहीं आ गई, आप 300 में 200 महिलाएं आपकी नहीं आ गई, तुम्हारी कितनी बनी आपकी नई महिलाएं जो बनी आपकी 500 लोग हो जाएंगे, तो महिलाएं आपकी 500 हो जाएंगी। तो आगे क्या कह रहा है कि नई भर्ती की गई, तो कह रहा है तो कंपनी में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, तो महिलाओं का कह रहा है कि प्रतिशत कितना होगा, तो महिलाएं मित्र हमारी कितनी हो चुकी है आपकी 500 हो चुकी है, और टोटल हमारे यहाँ पे कितने कैंडिडेट हो चुके हैं 300 इसमें थे आपके 500 इतने, मतलब 800 हो चुके और इंटू में आपका 100 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा, 00 से 00 आपका कट जाएगा, तुम्हारा 8 से इसको मित्र काटेंगे तो 8 × 32 = 48 8 × 48 तो 6 point something आपका बनेगा। तो ये जो बनेगा जाकर के ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पे बी आपका राइट बनेगा, 62.5% बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं बताएगा सभी लोग, बिल्कुल देखिए निधि त्रिपाठी। तो यहाँ पर ग्राफ के भैया क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दोस्त आपका कह रहा है 81 से 85 तक बात कर रहा है, दिए गए रेखा को ग्राफ में ध्यान पूर्वक पढ़ना है और यहाँ पर प्रश्नों का दोस्त आपको उत्तर देना है। तो भाई पहला कह रहा है ए बी सी डी द्वारा निर्मित नाव जहाज और आपका जहाजों की संख्या को दर्शाता है। तो भाई ये जो है ना ये गोल वाला ब्लॉक ये आपके जहाजों को दर्शा रहा है, ये रेड वाला आपका जहाज है ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो दोनों ब्लॉक हैं तो ये आपके दोनों दर्शा रहे हैं नाव और जहाज को। पहली बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये नाव और जहाज को दर्शा रहे हैं। चलिएगा जी क्वेश्चन पे आएंगे, 81 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से दोस्त समझेंगे तो बिल्कुल इस समझ में क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चन है। देखिएगा तो यहाँ पर कह रहा है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित नावों की औसत संख्या किसकी, भैया पूछी नावों की पूछी है। तो यहाँ पर जहाज का दिया गया है दोस्त और आपका नाव और जहाज का दिया गया है, तो नावों की संख्या पूछी है। यहाँ पर ये जहाज है और ये आपके दोनों है, अगर यहाँ पर देखेंगे ये जो आपके यहाँ पर जहाजों की संख्या 150 है दोस्त और यहाँ पर नावों की संख्या आपकी है 225 के करीब आपके यहाँ पर नाव और जहाज दोनों की है। तो यहाँ से अगर आप जहाज की यहाँ पर जो निकालेंगे नावों की जो संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर 225 से दोस्त आपको घटा देने 150 तो आपके यहाँ पर देखिए 75 बन जाएंगे, पहले 75 हो जाएंगे यहाँ पर। दूसरे में देखिए आपका 250 दिया गया है, 250 अगर 100 यहाँ पर जहाज घटा देंगे तो आपकी नावों की संख्या जो यहाँ पर बनेगी तो कितनी हो जाएगी, 250 100 से घटाएंगे तो आपकी 150 दोस्त बनेगी। फिर से देखिएगा सी नंबर में यहाँ पर आपके दिए गए भैया दोस्त 375 375 से 175 माइनस करिएगा तो आपके कितने बचेंगे 200। फिर से जाइएगा डी पे देखिए कितना है आपका 350 यहाँ पर 250 है, फिर से दोस्त आपका 100 बनेगा प्लस का 100 और यहाँ पर देखेंगे ये 300 पर ये 100 पर ये आपका सॉरी ये आपका 200 पर, तो फिर यहाँ पर जो आपकी नावों की संख्या आ जाएगी 10। तो औसत पूछा है तो 1 2 3 4 5 पट्टे में 5 लगाएंगे और यहाँ से भैया जोड़ देंगे और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 200 200 400 हो जाएगा और 400 आपका 500 550 75 आप जोड़िएगा तो ये आपका 625/5 आ जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो 125 देखिए आ चुका है माया यादव का बिल्कुल ही सही आंसर, सी नंबर यहाँ पर दोस्त हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कह रहा कंपनी बी द्वारा निर्मित जो है ना नाव और जहाजों का अनुपात बताना है। अब दोस्तों बी द्वारा बताना है नाव और जहाजों का अनुपात, तो यहाँ पर फिर से देखिएगा और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा। तो यहाँ पर कंपनी बी द्वारा आपको बताना है नाव और जहाजों का अनुपात। अभी देखिए नाव के हमने निकाला था क्या निकाला था, तो जहाज नाव ये दोनों है बी में जाएंगे तो भाई यहाँ से निकालेंगे भैया क्या हो जाएगा इसकी नाव की संख्या निकालेंगे, यहाँ पर 250 है और ये आपका 100 है, 250 से 100 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 150, तो ये तो आपकी नाव आ जाएंगी। तो इसका अनुपात इसके बाद देखिए कह रहा भैया जहाज का निकालना है, जहाज का अनुपात कितना है भैया 100 है आपका, जहाज का जो अनुपात है दोस्तों ये आपका 100 है ठीक है ना, 82 नंबर देखिएगा ये आपका 100 है, यहाँ से ये 0 कैंसिल यहाँ से ये 0, 5 × 3 = 15 है और 5 × 10 तो यहाँ पर आपका देखिए बनेगा 3.2 हो जाएगा बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल। भाई सभी लोग क्लास को लाइक जरूर से जरूर करेंगे, यहाँ पर इतनी मेहनत से आपकी क्लासेस चल रही हैं तो यहाँ पर लाइक जरूर से जरूर दोस्त करिएगा ठीक है ना। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करेंगे और यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलेगा 83 नंबर देखिएगा यहाँ पर देखिए कह रहा है बी द्वारा निर्मित नावों की कुल संख्या डी और ई में निर्मित जो है ना कुल संख्या का कह रहा कितना परसेंट है। तो यहाँ पर दोस्त बताना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक बार देखिएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों। बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है और कुछ भी नहीं यहाँ पर, और क्लास को दोस्त आप लाइक करिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको बनाना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा डी और ई,
बी में निर्मित जाएंगे तो बी पे चले गए और यहाँ पर बी पे चले गए बिल्कुल। यहाँ पर देखेंगे बी द्वारा निर्मित नावों की जो कुल संख्या हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये तो भाई जहाज 100 हैं और नाव जहाज आपके कितने 250 हो जाएंगे, तो नावों की संख्या जो यहाँ पर निकलेगी तो सिर्फ आपकी 100 निकलेगी। कितनी निकलेगी नावों की जो संख्या दोस्तों निकलेगी, तो 250 से 100 घटा देंगे तो 150 नाव आ जाएंगी। नावों की संख्या जो आ जाएगी आपकी 150 आ जाएगी। फिर उसने क्या कहा है, डी और ई से निर्मित नावों की कुल संख्या, तो भाई दोस्त डी पे जाएंगे और ई पे जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये 350 दोस्त और ये आपका 250, तो इसका डिफरेंस जो आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका डिफरेंस 100 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा 100-100 करके आपका 200 हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा 200। अनुपात क्या पूछा, बी द्वारा निर्मित नावों की कुल संख्या और डी द्वारा निर्मित कुल संख्या का जो परसेंट है वो पूछा है, मतलब आप सभी लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर 150 बटे और आपका किसके किस पे पूछा है, इस पे 200 पे पूछा है इसने, इंटू में आप 100 कर देंगे 0 से 0 हो जाएगा, ये आपका जो बनेगा दोस्त आपका 70% बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल भाई सही आंसर सी नंबर। चलिएगा जी ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और ये फंसने वाला क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में मिलेगा यहीं पर देखिए, सारे स्टूडेंट मोस्टली 90% यहीं पर फंसते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि उसने देखिए 2021 का डाटा दिया और 2022 का पूछ रहा है, तो दोस्त यहाँ पर देखिएगा 2021 का दिया है तो ई पे कह रहा है, ई पे बस जैसे कहेगा तो ई पे चले जाएंगे, तो यहाँ पर कह रहा है 2022 में ई में गए भैया, 2022 में नाव और जहाजों की कुल संख्या 21 की तुलना में 25% ज्यादा थी, तो नाव और जहाज आपके कौन हो जाएंगे, नाव जहाज आप देखेंगे ये वाले हैं, तो 21 में देखिए इनकी संख्या अगर 300 थी, 300 दोस्तों थी, तो कह रहा भैया 25% ज्यादा है, तो इसका 25% निकालेंगे तो 25% ऐसे निकालेंगे तो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 25 75, तो 75 और जोड़ देंगे तो उसकी 2022 की आ जाएगी, तो 2022 में जो इनकी संख्या आ जाएगी नाव और जहाज वालों की, नाव और जहाज वालों की 2022 में ये आपकी 375 आ जाएगी दोस्तों, समझ में आ रहा होगा 375 आ जाएगी। और फिर यहाँ पर जाएंगे कह रहा है कि कुल संख्या 2025 और निर्मित नावों की संख्या समान थी, और दोस्तों जो यहाँ पर नावों की जो संख्या थी वो क्या थी, कह रहा समान थी, निर्मित नावों की संख्या समान थी, दोनों वर्ष में कंपनी ई द्वारा निर्मित जहाजों की संख्या के बीच में अंतर आपको बताना है, तो यहाँ पर कह रहा है 2022 में कंपनी ई द्वारा निर्मित नावों की संख्या, 2022 में जो कंपनी ई द्वारा जो नावों की संख्या हो जाएगी वर्ष 2021 में ई में गए और ई में कह रहा है द्वारा निर्मित संख्या कितनी होगी, भाई ई में कितनी संख्या हो जाएगी निर्मित, तो यहाँ पर देखेंगे इसका डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, ये आपका 200 है, सॉरी ये आपका 300 है, ये आपका 200 है, तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस आएगा दोस्तों 100 आ जाएगा, नावों की संख्या जो आ जाएगी दोस्तों 100 आ जाएगी और इनकी संख्या आ जाएगी 375। अब पूछा क्या है, तो कह रहा है जहाजों की संख्या के बीच अंतर बताना है, तो इनके बीच दोस्त अंतर बताना तो क्या हो जाएगा, तो ये आपको राइट आंसर करना है, ठीक है ना, तो इसको भैया यहाँ पर इसको अंतर निकाल दीजिएगा, 375 से आपको 100 माइनस कर देना है तो 275 आपका बन रहा है, जो अंतर आ रहा है तो आपका 275 यहाँ पर आ रहा है, नहीं यार यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों वर्षों में कंपनी ई द्वारा निर्मित, दोनों वर्षों मतलब 100-100, 200, तो 100-100 आपका 200 माइनस करना है दोस्त, यहाँ पर 375 से 200 माइनस करना है, दोनों कंपनी दोनों ईयर की पूछ रहा है 21-22 की, दोनों में भैया समान थी, तो आपका यहाँ पर जो बनेगा भाई कितना बनेगा, तो यहाँ पर आपका जो बन जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक बार देखते हैं क्या बोलता भाई क्वेश्चन, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो यहाँ पर 25% आपका आ गया 375, और इसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है 2022 में जो कंपनी ई द्वारा निर्मित नावों की संख्या, 2022 में ई में जो कंपनी नावों की जो संख्या कह रहा है वो कितनी है, 2021 के बराबर हो जाएगी, तो भैया इनका डिफरेंस 100 आ जाएगा, तो 100 के बराबर हो गई। इसके बाद देखिए कह रहा है ये 100 हो गया, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप देखेंगे 300 से आपको 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 200 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 2022 में कह रहा भाई ई में ई द्वारा कंपनी द्वारा निर्मित जहाजों की संख्या, सॉरी यहाँ पर जहाजों की भी संख्या पूछ रहा था, तो जहाजों की जो संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपका दिया गया 2022 में, तो 2022 में जो जहाजों की संख्या आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी, इसे 100 माइनस कर देंगे तो आपकी यहाँ पर 275 आ जाएगी, फिर से मैं समझा दूंगा 275 आ जाएगी। और 2021 में आपको पता है इनका दोनों का 200 निकाला है, तो इनका देखिए डिफरेंस पूछा है, यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर एक बार देख लेंगे भाई, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहली बात कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए 375 तो आपका निकल आया था 222 में,
इसके बाद देखिए दोनों जो है ना, दोनों वर्ष का भैया समान था, तो इसका भैया भी समान था, इसका भी समान था, इसका जो डिफरेंस आया था भाई 100 आया था, ठीक है ना, 100 आया था। फिर उसने क्या बोला था, 2022 में कंपनी द्वारा निर्मित जहाजों की संख्या, अब जहाजों की संख्या देखिए टोटल जो नाव जहाज के 375 थे और जहाजों की संख्या आपकी 100 थी, तो ये कितनी थी 275। भाई 275 ये जहाज आ गए आपके यहाँ पर, 275 जो आ गए आपके जहाजों की संख्या दोस्तों आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो ई द्वारा निर्मित, और फिर कह रहा 2021 में जो है ना कंपनी ई द्वारा निर्मित जहाजों की संख्या, अब 2021 में देखेंगे 2021 में ई द्वारा जहाजों की जो संख्या निकलेगी तो यहाँ पर कितनी निकलेगी, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर जहाजों की संख्या 200 है। तो भैया 275 से सिर्फ आपको 200 घटाना, ये डिफरेंस पूछा था, 275 से 200 घटाएंगे तो आपका 75 यहाँ पर बन जाएगा राइट आंसर दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, अब यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो ये समझ में आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ है तो बी नंबर हो जाएगा राइट। यहाँ पर देखिएगा, और ये भी आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाली डीआई बहुत ही अच्छी आपकी यहाँ पर होने वाली है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 85 में कह रहा है एक नई कंपनी एक्स द्वारा निर्मित नावों की जो संख्या है, कंपनी डी द्वारा निर्मित नावों की संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पड़ेगा 85 नंबर, कंपनी एक्स की जो निर्मित नावों की संख्या है, तो यहाँ पर कह रहा है नावों की संख्या का भैया 3 गुना है, तो यहाँ पर कोई एक्स है तो यहाँ पर आपको बताना है, तो एक्स का निर्मित नावों की संख्या कंपनी डी के निर्मित नावों की संख्या के 3 गुना है। भैया डी में जो नावों की संख्या है, यहाँ पर जाएंगे और डी में नावों की संख्या निकालेंगे, जहाज प्लस नाव आपके दिए गए हैं 350 और यहाँ पर जहाजों की संख्या जो आपकी दी गई 200, इनका जो डिफरेंस दोस्त करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा, तो ये आपको बताना है। ये 250 है दोस्त, ये 250 पे दिया गया है, ये 350, तो आपका 100 का डिफरेंस यहाँ पर बन रहा है, तो इसकी कह रहा संख्या जो है ना भैया 3 गुना है यक्षों की, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपको यक्ष बराबर कितना लिख लेना है, यक्ष बराबर जो यहाँ पर हो जाएगा निर्मित जो नाव की संख्या हो जाएगी 300 हो जाएगी नाव की संख्या, पहला पॉइंट आपका निकल आया। दूसरा कह रहा जबकि कंपनी एक्स द्वारा निर्मित नाव जहाजों की जो कुल संख्या है, सी द्वारा निर्मित नाव प्लस जहाजों की कुल संख्या की 2 गुनी है। अब यहाँ पर जो कंपनी एक्स द्वारा जो निर्मित नाव प्लस जहाजों की जो संख्या आपकी आई है तो वो आपको बताना है, तो कंपनी एक्स द्वारा जो यहाँ पर कह रहा है निर्मित नाव प्लस जहाजों की संख्या, तो नाव प्लस जहाजों की संख्या ये आपका यहाँ पर दिया गया 300 और यहाँ पर नाव जहाज की बात कर रहा है, तो वो कितनी हो जाएगी, यक्ष द्वारा निर्मित यहाँ पर देखिए कह रहा है यक्ष द्वारा निर्मित नाव प्लस जहाजों की कुल संख्या और यहाँ पर आपका कह रहा है सी द्वारा निर्मित जहाजों की संख्या की 2 गुनी है। सी द्वारा जो निर्मित है नाव जहाज, ये आपका सी द्वारा जो यहाँ पर आपका कह रहा है सी द्वारा निर्मित नाव प्लस जहाजों की जो संख्या का है तो 2 गुना है, सी द्वारा निर्मित नाव प्लस जहाजों की संख्या आपकी दी गई है 375 दोस्तों दी गई है, 375 का ये हो जाएगा 2 गुना, ये आपको डिफरेंस यहाँ पर देखिए 375 का दिया गया है, तो ये किस कितने गुना है, ये 2 गुना, तो मतलब ये जो आपके यहाँ पर आ जाएगा नाव प्लस जहाजों की कुल संख्या जो आपकी आ जाएगी 750 और यहाँ से आपकी आ चुकी 300। अब यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, यहाँ पर फिर पूछ रहा है कंपनी एक बार निर्मित जहाजों की कुल संख्या, अब जहाज की भाई पूछ रहा है कुल संख्या, अब पहले तो यहाँ पर हमने ये निकाली थी यक्ष उसकी संख्या थी नाव की, और जो ये संख्या आप लोगों ने निकाली है ये नाव और जहाज की निकाली है, तो ये आप नाव जहाज दोनों की निकाली है और ये हमने निकाली थी किसकी, नाव की, तो जहाज की पूछ रहा है, तो 350 से 300 घटा दीजिएगा तो आपका 0 बचा, 5 बचा, 4 बचा, तो 450 यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। क्लास भैया देखिए आपकी ये आपकी चलती है भैया 10:15 तक चलेगी, और यहाँ पर आपका डीआई का क्वेश्चन फिर से आ चुका है और आज आपकी लास्ट भैया यहाँ पर ये क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ पर आपका देखिए दिया गया से पूरा ही क्वेश्चन है, और क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक शेयर फिर से कर देंगे और क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। 78 लाइक है भैया, एक बार क्लास को भैया और लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, तो जो लोग नए जुड़े हैं क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, चलिएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर कह रहा गणित में राम और श्याम द्वारा प्राप्त जो है ना कुल अंक गणित में सीखा और पूजा द्वारा प्राप्त कुल अंकों का भैया कितने परसेंट कम है, तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गणित में गए भैया राम और श्याम का, तो भाई ये राम है ये आपका श्याम है, गणित में ये वाला कॉलम है, राम और श्याम की बात कर रहा है, तो राम भैया 70 है, श्याम आपके कितने हैं भैया 110, तो ये टोटल जो इनका भैया राम और श्याम का हो जाएगा कितना हो जाएगा, राम और श्याम का यहाँ पर जो बनेगा कुल प्राप्तांक ये इनका हो जाएगा 180। इसके बाद देखिएगा कह रहा है जो यहाँ पर कह रहा है गणित में सिखा और पूजा का, तो दोस्त यहाँ पर गणित में सिखा और यहाँ पर पूजा का प्राप्तांक, तो सिखा का दोस्त 100 है, पूजा का 120 है,
तो इसका जो प्राप्तांक हो जाएगा 220 दोनों का हो जाएगा। ठीक है जी, इसका 220 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है, तो कह रहा है शिखा और पूजा द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने परसेंट कम है। तो दोस्तों यहाँ पर इसने तो 220 प्राप्त कर लिए, 220 पे ही निकालना है। 220 प्राप्त कर लिया, उसके कितने ज्यादा हैं, 40 नंबर भैया ज्यादा थे 180 वाले से। अब यहाँ से दोस्त आपको निकाल देना, इंटू में 100 करिएगा और इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 11 हो जाएगा, 2 से आपका ये 20 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 10 मान लीजिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो यहाँ पर 0 20 के करीब आपका प्लस जा रहा है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 86 में बनेगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर आपका कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 11 दिया गया था, थोड़ा सा आपका ज्यादा होगा तो ये 20 से आपका कम ही बनेगा, तो अप्रॉक्स में आपका 18 यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर आप सभी लोग कर चुके हैं। चलिएगा जी 87 पे जाइएगा, कह रहा छात्रों के गणित के अंकों की कुल संख्या से शिखा के हिंदी और गणित में अंकों के अनुपात ज्ञात करना है, तो कितना भैया अनुपात हो जाएगा ये आपको बताना है। 87 में बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, तो छात्रों के गणित के अंकों की कुल संख्या, छात्रों के गणित के अंकों की जो कुल संख्या है, तो गणित के कुल अंक यहाँ पर देखेंगे ये वाला कॉलम है 70 हो जाएगा, 110 हो जाएगा और आपका ये 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा और आपका 60 हो जाएगा। तो इसको कह रहा कुल संख्या से, कह रहा शिखा के हिंदी और गणित में अंकों का अनुपात बताना है, शिखा के फिर अनुपात बताना यहाँ पर 87 में देखिएगा। तो यहाँ पर अगर इनको जोड़ेंगे 70 और आपका 110, 100, 120, 60, इसको जोड़ के बताइए कमेंट करेंगे भैया, इनका जोड़ आएगा 460। ठीक है ना, 460 आ जाएगा। फिर शिखा का भैया कह रहा, शिखा का ये है, शिखा का कह रहा हिंदी और गणित में, भैया शिखा का हिंदी और गणित में देखेंगे 80 + 100 हो जाएगा, 80 + 100 मतलब कितना हो जाएगा 180। अब इसने पूछा क्या है, हिंदी और गणित में अंकों का अनुपात बताना है कुल अंकों से, भैया कुल अंकों से दोस्तों बताना है, तो कितना बन जाएगा, तो 180 अनुपात में आपका 460 बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा भैया 2 से 9 हो जाएगा, 2 से आपका हो जाएगा 23, तो 9 23 आपका डी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल ही राइट आंसर, जो लोग देखिए डी नंबर किए हैं, बिल्कुल भैया सही आंसर प्रेम कुमार का, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बन गया है। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हिंदी और गणित में राम द्वारा जो प्राप्तांक है कुल अंक, नरेंद्र द्वारा हिंदी और गणित में प्राप्तांक की तुलना में कितने परसेंट अधिक, तो दोस्त इसको बताइएगा 88 नंबर क्या कह रहा है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, तो भैया दोनों विषय में राम द्वारा प्राप्त कुल अंक जो है ना, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों विषय में राम द्वारा जो कुल अंक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 130 और आपका 70 दिया गया, इनको जोड़ेंगे तो ये आपके 200 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा दोनों विषय में नरेंद्र द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो यहाँ पर नरेंद्र द्वारा देखेंगे तो यहाँ पर दोनों विषय में नरेंद्र द्वारा प्राप्त जो हो जाएंगे 50 और 60 देखिएगा 110 हो जाएंगे, तो ये 110 हो जाएंगे। तो कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कुल अंकों का कितने परसेंट अधिक है, तो दोस्तों यहाँ पर कितने परसेंट अधिक है, ये देखिए 110 से यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका देखिए 90 अंक इसका ज्यादा आ रहा है राम का, इंटू में 100 कर दीजिएगा तो यहाँ से सॉल्व करिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 11 8 88 तो 8 के करीब आएगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा 88 में, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल भाई डी नंबर देखिए जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर किए हैं। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका जवाब दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहा भाई तो कह रहा यदि नरेंद्र द्वारा हिंदी में जो प्राप्त किए गए अंकों का वास्तविक अंक है अंक से 14% तक है बढ़ाया गया था, अगर हिंदी में अधिकतम अंक 140 थे तो कह रहा है तो हिंदी में उनका नया परसेंट जो है ना क्या था, तो यहाँ पर देखिएगा 89 नंबर अगर आप जाएंगे तो क्या बनेगा, तो बिल्कुल सभी लोग देखेंगे जैसा कि आपका ये क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से आपको करना है। भैया नरेंद्र द्वारा हिंदी में जो प्राप्त जो है नए अंक यहाँ पर देखिएगा, तो नरेंद्र पे जाएंगे, नरेंद्र द्वारा हिंदी में देखिए कितना अंक है, तो नरेंद्र का देखिए 50 है। ठीक है ना दोस्तों, 50 है तो इससे 14% भैया अधिक हो गया, तो 50 का 14% दोस्तों अधिक हो जाएगा, तो 114 में अपन 100 ये 0 से 0 5 × 10 इसका आधा करिएगा, 2 × 5 = 10 2 × 7 = 14, तो भैया 14% इसके बढ़कर कितना हो गया भैया 50 से 57 हो गया। ठीक है ना, अब कह रहा हिंदी में अधिकतम अंक जो यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया अधिकतम अंक कितने 140 थे। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको निकालना है क्या उसका परसेंट निकालना है, तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, 57 / आपका 140 कर दीजिएगा और इंटू में 100 कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर आपको बिल्कुल ही काट लेना है 14 से, आपका क्या बनेगा आपका 14 से 4 बार जाएगा 1456 हो जाएगा और यहाँ पर फिर आपका शून्य लगेगा, तो सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल भाई यहाँ पर आपका सी इसका राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा। चलिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर,
और यहाँ पर इसका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा गणित में पूजा द्वारा प्राप्त अंक जो है ना, सॉरी गणित में पूजा द्वारा प्राप्त अंक गणित में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का कितना परसेंट है, तो इसको बताइएगा। पूजा द्वारा जो आपका कह रहा है प्राप्त जो कुल अंक है, कह रहा है गणित में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का भैया कितना परसेंट है, तो 90 नंबर में दोस्तों आपको ये बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा देखिएगा, गणित में जो आपका यहाँ पूजा की बात कर रहा है तो पूजा पे जाएंगे, तो गणित में पूजा में दोस्तों कितने प्राप्त किए हैं, 120 नंबर, 120 प्राप्त किए हैं। यहाँ पर टोटल कह रहा है, तो कह रहा है मैं सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का जो परसेंट होगा कितना हो जाएगा, तो भाई सभी अंक सभी छात्रों का यहाँ से निकालेंगे, तो भाई यहाँ से निकाल दीजिएगा कितना हो जाएगा गणित में, तो भाई यहाँ पर 70 हो जाएगा और आपका यहाँ पर 110 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 100 हो जाएगा, और फिर आपका देखिए यहाँ पर 120 हो जाएगा और 160 हो जाएगा। जब दोस्त इसको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 460 जुड़कर आएगा, इंटू में आपको 100 करके निकाल देना, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व करिएगा तो आपका 26 के करीब आपका आ रहा है, तो बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिएगा एक डीआई और आपकी बची हुई है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, बताइए भाई इसको। तो यहां पर आप सभी लोग देखेंगे जो बिल्कुल ही बिल्कुल भाई चलेगा, हाँ 91 से देखेगा, चलिएगा यहां पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और इसको भैया बताना है। तो यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देख चुके होंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका, कह रहा है डेका धान की जो बिक्री है प्यूमा की बिक्री के लगभग कितने परसेंट कम है, तो ये भैया आपका डेका धान और अब यहाँ पर जो आपका गया है प्यूमा पे जा रहा है, तो कह रहा है कितने परसेंट भैया कम है, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे 40, 50, 60, 85 सभी को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर जो बनेगा 235 हो जाएगा, और प्यूमा को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे 5, 9, 9, 18, 6, 14, तो आपका यहाँ पर जो बनेगा भैया, तो जो प्यूमा का बनेगा कितना बनेगा 24, बिल्कुल ये आपका 245 बनेगा, तो ये 245, तो कह रहा है लगभग कितने परसेंट कम है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भैया कितना कम हो रहा है, भैया 10 कम हो रहा है, क्योंकि देखिए कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है 245 पर, इंटू में 100 करिएगा तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा तो 4 के करीब आ जाएगा, देखिए 1000 के करीब जा रहा है, तो यहाँ पर अगर 250 से डिवाइड करेंगे तो 4% पे करीब आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर हो जाएगा राइट। चलिएगा तीन जो ब्रांड है, कह रहा क्रिकेट है, जूते हैं और आपके फुटबॉल में, कह रहा जूतों की बिक्री में अंतर बताना है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका सभी लोग आप जवाब देंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा बनेगा, ओवरऑल क्वेश्चन है आपका और यहाँ पर आपको भैया जवाब देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन, 92 नंबर देखेगा। तो यहाँ पर कह रहा फुटबॉल के जूतों की जो कुल बिक्री है, तो फुटबॉल के जूतों की भैया कुल बिक्री है तो कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहली बात देखेंगे 50, 40, 90 और 90, 65 आपका 155, तो 155 हो जाएगी भैया, क्या हो जाएगा ये फुटबॉल के जूतों की कुल बिक्री आ जाएगी। फिर दोस्तों कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है वो क्रिकेट के जूतों के, क्रिकेट के जूतों की बात कर रहा है, क्रिकेट में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 और आपका 95 हो जाएगा और 90, तो 9, 9, 18 और 8, 245, ये भी आपका हो जाएगा, ये आपका जो बनेगा क्रिकेट में 245 बनेगा, तो यहाँ से भैया इनका अंतर पूछ रहा है, तो अगर 155 दोस्त इससे माइनस करेंगे तो आपका 0, 14 से 5 गया 9 और यहाँ से आपका 90 बन रहा है, तो सी नंबर दोस्तों हो रहा है बिल्कुल ही राइट आंसर, सी नंबर क्या हो रहा है आपका राइट आंसर दोस्तों बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नाइकी के जूतों की कुल बिक्री का जो लगभग परसेंट जो है ना कितना है, तो नाइकी की बात कर रहा है, नाइकी में बताना है किसका कितना परसेंट हो जाएगा, तो 93 नंबर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको नाइकी के जूतों की कुल बिक्री का लगभग कितना परसेंट, जो नाइकी फुटबॉल के जूते हैं भैया, नाइकी में यहाँ पर जाएंगे, नाइकी में फुटबॉल के चीजें यहाँ पर 65 है, 65 का आपका टोटल यहाँ पर निकालना है कितना हो जाएगा, 93 में यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल नाइकी की बात कर रहा है तो 60 है, 65 है, 90 है और आपका 55 है, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 270 बनेगा, इंटू में आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा और इसको सॉल्व करिएगा तो आपका यहाँ पर बनेगा
24 के करीब आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी नंबर दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा 94 नंबर देखेंगे, जो कि भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो कह रहा तीनों ब्रांडों में दौड़ने के जूतों और पैदल चलने वाले जूतों के बीच जो अनुपात होगा तो वो बताइएगा। तो भाई इनका जो अनुपात होगा तो ये आपको दोस्तों बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तीनों ब्रांडों में जो अनुपात बनेगा 94 में तो ये क्या बनेगा भैया दौड़ने, कह रहा ब्रांडों में जो भैया दौड़ने वाले जूते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 40 है, 50 है, आपका 60 है, तो इसको देखेंगे 40 50 60 आपका कितना हो जाएगा भैया 150 हो जाएगा, ठीक है ना। अनुपात करिएगा और यहाँ से फिर कह रहा क्या भैया यहाँ पर देखिएगा पैदल चलने वाले जो जूते हैं तो आपको 85 हो जाएगा और आपका 60 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, तो ये आपके देखेंगे कितने हो जाएंगे, ये आपका 90 95 13 और 14 यहाँ पर ये आपका जो बन जाएगा ये आपका हो जाएगा भाई 85 60 55 ये आपका 200 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 50 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 3 अनुपात में 4 आपका दिख रहा है तो वही आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई नींद आ रही है, बिल्कुल भाई क्लास आपकी बिल्कुल ही डन ही है, अब ये खत्म होने वाली है, यहाँ पर देख लीजिएगा। आप कह रहा तीनों ब्रांड की औसत बिक्री क्या होगी दोस्तों, तीनों ब्रांड की औसत बिक्री बतानी कितनी होगी। अब इसके बाद मैं तो एक क्लास और लगाने वाला हूँ कल से, इसके बाद आपकी क्लास एक और मिलेगी भाई, वो जीएस की आपकी क्लास होगी जिसमें आपको शायद 100 क्वेश्चन तक अप्रॉक्स कराए जाएंगे। तो 95 नंबर दोस्त देखिएगा, यहाँ पर कह रहा तीनों ब्रांडों की औसत आई, तो औसत आई दोस्तों निकालना बिल्कुल सिंपल, यहाँ से भैया 40 और आपका 50, 40 50 और आपका यहाँ पर देखेंगे तीनों ब्रांडों की पूछ रहा है दोस्तों, तीनों ब्रांडों की भैया अलग अलग निकालनी है, तो पहले तो यहाँ पर आपको डेक का निकाल लेना है, डेकेलॉन का जो निकाल लेना है, 40 है, 50 है, 60 है और आपका 85, तो इसको जोड़िएगा 235, फिर इसके बाद 50 40 95 60 इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 245, अब इसको जोड़िएगा तो इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 270। अब इनको जब टोटली आपको जोड़कर इनको सॉल्व करना है और 3 से डिवाइड कर देना सभी को जोड़िएगा तो ये आपका 750 बचेगा, अपान में 3 कर दीजिएगा तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 250, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिएगा 96 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है एक संगठन का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत औसत जो है ना मासिक आय नीचे दिए गए पाई चार्ट द्वारा दिया गया है, और भैया इनका कुल जो व्यय दिया गया, कुल मासिक व्यय आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसका खर्च दिया गया बिल्कुल यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं वही दिया गया है। चलिएगा एक इसको याद रखना है, 185 आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कह रहा है स्टाफ के कितने वेतन तथा स्टाफ के ऋणों पर हुए खर्च में कितना अंतर है, तो इसको आपको बता देना क्या हो जाएगा। 96 में देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा भैया, स्टाफ का जो वेतन है आपका देखेंगे 20% है और स्टाफ ऋणों को जो जो खर्च हुआ है तो आपका 18% है, टोटल आप देख रहे होंगे 2% है, 2%। अब टोटल अभी हमने बताया था जो टोटल संख्या कितनी 185 के करीब है, तो 185 का आपको निकाल देना है 2%, 185 का 2% निकाल देना, 185 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 दूनी 10 18 दून 36 137, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिल्कुल 96 में जो जा रहा है तो डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, कह रहा बिजली और पानी दोनों का जो कुल व्यय में अंतर कितना है, तो दोस्तों बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे बिजली और पानी का जो अंतर है तो वो भैया बताना है 97 में कितना हो जाएगा। तो सबसे पहली बात बिजली और पानी को जाइएगा, बिजली 12% है और आपका पानी 11% है, तो दोस्तों बिजली और पानी दोनों का जो कुल व्यय परसेंट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पता होगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बिल्कुल ही निकाल देना है तो कितना बनेगा, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कैसे बनेगा, टोटल व्यय पूछ रहा भैया, तो टोटल यहाँ पर देखेंगे 23% आ जाएगा, 23 जो है ना आपको बस 185 में सीधे मल्टीप्लाई करा देना है तो कितना हो जाएगा। अब इससे जब मल्टीप्लाई दोस्तों कराएंगे तो आपका कितना बनेगा, तो यहाँ से आप अगर आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 या 15 5 तो आपका लास्ट में सभी में आ रहा है, उसको कर दीजिएगा सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा 42 55 यहाँ से आपका आएगा, तो यहाँ पर 42 55 देख रहे होंगे बी नंबर में आपका बन रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा परिवहन सब्सिडी तथा क्या कह रहा है कैंटीन सब्सिडी पर कुल कितना व्यय हुआ, तो भैया इस पर देखिए परिवहन सब्सिडी कह रहा है और आपका कह रहा है कैंटीन सब्सिडी पर कितना व्यय हुआ था, तो परिवहन देखिए आपको यहाँ पर कहाँ पर गया दोस्तों, ये आपका दिया गया 10% और यहाँ पर आपका दिया गया है
ये आपका जो दिया गया 8% दिया गया है कैंटीन, तो यहाँ पर टोटल भी पूछ रहा है दूध का 18% हुआ, तो ये किसका 18% हुआ, 125 का आपका 18% निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 × 5 = 90 हो जाएगा, और आप 18 × 8 आप देखेंगे तो आपका 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर 144 में आपको 9 जोड़ना है, 9 × 4 आपका 13 हो जाएगा, 153 मतलब आपका यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो किसमें आपका 3 आ रहा, तो यहाँ पर दोनों में 3 आ रहा है, कैरी आपका 15 रहेगा, तो 18 × 1 = 18 करेंगे आपका 15 कर देंगे, तो 8 × 5 = 13, 2 × 1 = 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 33-30 आपका जो बन रहा है तो वही आपका 98 में बनेगा, बिल्कुल आपका डी नंबर दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई यहाँ पर डी नंबर आपका बनेगा करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय वेतन पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है, तो इसको बताइएगा। यहाँ पर आपको 99 में करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बताना बिल्कुल भाई, यहाँ पर जो 99 नंबर में आपको राइट आंसर दोस्तों करना क्या हो जाएगा। तो कह रहा है स्टाफ पर जो खर्च किया गया चिकित्सा व्यय और आपका वेतन पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है, बिल्कुल सिंपल सा है, चिकित्सा पर जो आपका व्यय दिखा रहा है तो आपको देखेंगे 6%, ठीक है ना, और वेतन पर व्यय बता रहा है तो ये आपका कितना दिखा रहा है वेतन पर देखिएगा, तो यहाँ पर वेतन पे व्यय जाइएगा कहाँ पर, ये आपका 20% दिखा रहा है, तो वेतन पे आपको देखिए 20% व्यय दिखा रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है चिकित्सा पर जो किया गया खर्च वेतन पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन भैया, तो यहाँ से सीधे सीधे निकाल लेना है, तो ये कितना भाई इसका था 6% और ये आपका इसका था कितना 20%, तो इसको सॉल्व करिएगा कितना आएगा 0 0 2 5 10, तो 5 6 30 निकल कर आ रहा है, तो यहाँ से आपका फर्स्ट नंबर बिल्कुल 30% दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है, और इसको बताइएगा इंपॉर्टेंट, क्लास को भाई सभी लोग देखिए लाइक शेयर जरूर जरूर करेंगे, ठीक है ना, आपको बहुत बार बता चुके हैं, सभी लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर से जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन पर जो है ना कितना खर्च हुआ भैया, टेलीफोन पर दोस्त कितना खर्च हुआ बताइएगा भाई। तो यहाँ पर टेलीफोन जो है ना भैया 15% हुआ था, तो हमने बताया था टोटल वैल्यू आपकी 185 का सीधे सीधे 15% निकालेंगे, 15 × 75 = 15 × 8 = 120 और आपका यहाँ पर हो जाएगा भैया 127, कैरी आपका 12 रहेगा, 15 × 15 तो 7 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, मतलब 27 × 75 दोस्तों हो जाएगा। यहाँ पे 86 आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे भाई, लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग, ठीक है। 86 बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, तालिका को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और यहाँ पे आपका जो है एक तरफ व्यक्ति की वस्तुएं दी गई, ठीक है, व्यक्ति की वस्तुएं दी गई भोजन और आपके मनोरंजन पर मतलब की व्यय, और इधर आपकी बचत दी गई है, ठीक है, ये आपका मासिक आय दी गई, ठीक है, और यहाँ पे अरुण की जो हमारी मासिक आय का कितना आपका 20% है, और यहाँ पे कह रहा है ए रुपए में दिया गया, और कह रहा है इसकी मासिक आय कितनी, मतलब कि आपके तीन कंडीशन आपकी दी गई है, आपके तीन व्यक्ति अरुण विपिन और चंद्र, ठीक, तीन व्यक्ति हैं, तो इनको बारी बारी से आप लोग क्या करिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे समझने, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे मित्र, कह रहा है कि यदि भोजन और मनोरंजन पर चंद्र का व्यय अरुण के भोजन पर खर्च से 5% अधिक है, कह रहा है तो चंद्र तथा चंद्र द्वारा भोजन और मनोरंजन पर व्यय की राशि याद कीजिए, इतना बोलता रहा डीआई में हमने बोला बस उतना करते जाएगा, आप आसानी से आंसर जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था कि भोजन और मनोरंजन पर चंद्र का व्यय और अरुण के भोजन पर खर्च से कह रहा 5% अधिक है, मतलब कि अरुण का जो हमारा भोजन है, ठीक है, अरुण का भोजन आपका मनोरंजन ये है, कह रहा है उसके खर्च का कितना आपका केवल आपका यहाँ पे कितना कह रहा है आपका 20% है, ठीक, सॉरी 5% है, तो इसका मासिक का कितना था हमारा, और हमारा भोजन और मनोरंजन पर खर्च कितना आपका अरुण का है, ये कितना आपका, ये 20% है किसका मासिक आय, और इसका मासिक आय कितना आपका 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, इसका 50,000 का ये 20% निकालेंगे मित्र, कितना निकलेगा आपका, ये 00 से 00 कटेगा हमारा, यहाँ पे 5 × 10 मतलब कि 10,000 निकलेगा, ठीक है, भोजन पर जो हमारा अरुण का खर्च निकलेगा आपका 10,000 निकलेगा, ठीक है, 10,000 निकलेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखेंगे, क्या कह रहा था कि मतलब कि जो हमारा चंद्र है, तो चंद्र का भोजन जो हमारा है ये अरुण के कितने से आपका 5% अधिक, हमारा जब अरुण का जो हमारा खर्च निकला कि भोजन पर 10,000 निकला है, तो इसका 5% अधिक मतलब कि आपका 105 हो जाएगा सर, 42 का 60 सेकंड में चेंज, तो वो आप बता रहे हैं, हमने बोला ना आप लोग जो है कम नॉलेज रखते हैं, तो इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा, आपका मिनट वाली सुई की बात कर रहा था ना, मिनट वाली की, और आप वो घंटे वाली की बात कर रहे हैं, मिनट वाली सुई की जो हमारी कितना 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, और घंटे वाली जो हमारी होती है वो हमारी 3600 सेकंड में कितना कोण बनाती है आपका, 3600 सेकंड में आपका जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है, हमारा ये जो बनेगा जाकर कितना बनेगा आपका 360 आपका 1/10 डिग्री,
ये हमारे घंटे वाले की अलग होता है हमारा कंडीशन, और हमारी मिनट वाले की अलग होता है। तो ये आप लोग ध्यान पड़िएगा, तभी आप लोग जो है कमेंट करिएगा, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे जो बनेगा आपका किसका बनेगा, 10,000 का कह रहा है तो 5 मतलब कि अपान में 100 बनेगा। आप समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल रवि जी आपको समझ में आया है कि नहीं ये बताएंगे। चलेगा अगला बताएंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, बाकी एक बार हम देख लेंगे उस क्वेश्चन को। तो यहां पे इसको आंसर निकालेंगे कितना बनेगा, तो यहां पे जो बनेगा आपका 00 से 00 में तो कट जाएगा, ठीक है, और हमारा 105 और आपका कितना बनेगा पर डी राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, बाकी आपका जो है दिया गया क्वेश्चन बाकी आपके बाद में होंगे, ठीक है। और आपका जो है 87 नंबर बताएंगे, आप कंफ्यूज मत करिएगा कमेंट करके, आपको ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज मत करिएगा। मैं भी ये लास्ट में आप सभी लोग बिल्कुल डिस्कस करिएगा, यदि कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तभी आप लोग लास्ट में बताएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि अरुण की बचत भोजन और मनोरंजन पर खर्च करने के बाद बची आय का कह रहा 2/5 है, तो कह रहा ए का मान क्या होगा। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू रानी जी, सभी लोग आंसर करिएगा भाई, आंसर नहीं कर रहे आप लोग। अब भोजन और मनोरंजन पर व्यय कितना हो जाएगा आपका, मासिक आय का 20% हो जाएगा, ठीक है। और इसकी किसकी बात करें आपका अरुण की, तो अरुण कहां पे आपका ये है, तो अरुण की बचत और भोजन और मनोरंजन पर खर्च करने की बात बची आय क्या, कह रहा कि इसका कह रहा कि मान लो कि भोजन और मनोरंजन पर कितना आपका 20% खर्च कर रहा है, तो कह रहा है 20% खर्च करने के बाद उसकी आय बताना कि बची आय कितनी बनेगी। अच्छा, हमारे 50,000 तुम्हारी है पूरी आय थी इसकी अरुण की, ठीक है, इसमें से जब इसने 20% मित्र खर्च कर दिया है तो बचेगी कितनी आपकी, 80% बनेगी, 80% बचेगी तुम्हारा, अपान में 100 हो जाएगा, ठीक है। बचत जो बनेगी इसकी 80% बनेगी। अब कह रहा है यहाँ पे जो बनेगा आपका 48 बनेगा, तो मतलब 40,000 बनेगा जाकर, ठीक, 40,000 उसके बाद आपकी जो है बचत हुई है। अब कह रहा है बची हुई आय का कह रहा 2/5 है, अब 2/5 आपका मतलब कि इसका 2/5 है, 5 काटेंगे तुम्हारा 8 हो जाएगा, तो मतलब कि 8×16,000 बनेगा, तुम्हारी ए की वैल्यू मित्र बनेगी आपकी 16,000 बनेगी। और ये हमें जो है वैल्यू नोट कर लेनी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आपकी जो है जरूरत भी पड़ सकती है। 16,000 आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, ठीक है। अमीषा जी बिल्कुल आपका डी राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, भाई थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, आप लोग जो है भागने लगे क्या बात है। हमने बोला ना डीआई में जब तक आपको पेशेंस और आपका जो है धैर्य बनाकर नहीं रखेंगे तभी तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि चंद्र की बचत उसकी मासिक आय का 30% है, तो कह रहा है चंद्र की मासिक आय ज्ञात करना है, कह रहा है यदि चंद्र की बचत जो हमारी मासिक आय का 30% है, कह रहा है चंद्र जो हमारा इसकी बचत कितनी आपकी 9,000 है, जितना बोला जाए उतना चंद्र की बचत कर रहा है, बचत उसकी मासिक आय का 30% है, कह रहा मासिक आय का 30% है, कह रहा इसकी मासिक आय बताना है। अब मासिक आय हमने मान ली कितनी आपकी, यक्स मान लिया आपका 100 मान लिया, जैसे हमने 100 आपकी उसकी मासिक आय मान लिया आपकी चंद्र की, अब कह रहा है उसका 30% क्या आपका मासिक आय जो है आपका उसकी 30% क्या आपकी बचत है, 30% मासिक आय का 30% ही तो आपका बचत कह रहा है, और 30% की हमारी वैल्यू दी गई है, 30% की आपकी कितनी आपकी 9,000 वैल्यू दी गई, ठीक है 9,000। तो यहाँ पे जब हम एक यूनिट की निकालेंगे तो हमारा 30 से 90 बनेगा, मतलब कि आपका एक यूनिट की मतलब कि यहाँ पे जो है आपकी 30 निकलेगी, ठीक है, 30 जो है सॉरी आपका 300 निकलेगी, यहाँ पे 300 निकलेगी, और हमने जो है आपकी 100 मानी, जब एक यूनिट की 300 है तो 100 की कितनी हो जाएगी आपकी 30,000 बनेगी, तो चंद्र की मासिक आय जो बनेगी आपकी 30,000 बनेगी, तो यहाँ पर हमने जो है 30,000 लिख दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताएं, समझ में बिल्कुल। देखिए लघु जस्टिस प्रॉपर राइट आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, इसी प्रकार सभी लोग आंसर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 89 नंबर देखेंगे, कह रहे भोजन और मनोरंजन पर मासिक आय व्यय करने के बाद शेष आय विपिन की बचत है, तो कह रहा कि ज्ञात कीजिए कि विपिन की बचत चंद्र की बचत का कितने प्रतिशत है, तो बताएंगे विपिन की जो बचत है हमारी चंद्र की बचत का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ेंगे तब आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे कितना करा भोजन और करा मनोरंजन पर मासिक आय व्यय करने के बाद शेष आय, करा विपिन की बात करा आपका, विपिन की करा विपिन की बचत करा ज्ञात कीजिए कि विपिन की बचत चंद्र की बचत का कितना प्रतिशत है। अब चंद्र की बचत हमारी कितनी आपकी 9,000 हो रही है, विपिन की निकाली है, और विपिन की बचत कैसे निकलेगी ये हम, क्योंकि मासिक आय का कितना आपका 12% है और विपिन की मासिक आय कितनी आपकी 72,000, तो 72,000 का जो मित्र हमने जो है यहाँ पे कितना निकाला है 72,000 का 12% अपान में 100 हो जाएगा। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास, 100 होगा आपका, 1000 नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। 72,000 का जब हम 12% निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा जाकर के आपका, ये 00 से 00 कट जाएगा आपका, और यहाँ पे 12 से करेंगे तो हमारा 12 0 हो जाएगा, 12×2=24 बनेगा, और 2 बच्चे का, ठीक है, और 82 से 84 2 86 मतलब कि 86,400 बनेगी विपिन की आपकी बचत, कितनी 86,400 बनेगी। अब विपिन की बचत आ गई और हमें जो है चंद्र की बचत पता है, तो यही कह रहा है कि चंद्र की बचत का कितना प्रतिशत है, चंद्र की बचत का कह रहा है तो हमारा 9,000 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर हमारी किसकी आपकी इसकी आ जाएगी आपकी विपिन की, तो 86,400 हो जाएगी, 40 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 हो जाएगा,
अब ये डबल जीरो से डबल जीरो में कट जाएगा, आपका जीरो से जीरो कट जाएगा। अब इसको नौ से काट लेंगे, तुम्हारा नौ से कितनी बार जाएगा आपका नॉन जो है ओके 86,400 कहीं पे आपका जो है यहाँ पे कैलकुलेशन जो आपकी मिस्टेक हो रही है 89 बिल्कुल सॉरी फॉर दैट। हमने जो है यहाँ पे आपकी मासिक आय निकाली क्योंकि यहाँ पे आपकी बचत की बात कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। जो है आप लोग कमेंट में बता दिया करें यदि आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत हो जाए यहाँ पे तो बता दिया करें। बिल्कुल डिजिटल स्ट्रेटजी का देखिए आ चुका है, यहाँ पे कह रहा था आपका मासिक आय ये है बट यहाँ पे बचत की बात कर रहा है। अब जब यहाँ पे हमारी 72,000 जो हमारी टोटल मान लो इसकी मासिक आय है विपिन की, अब इसकी आय कह रहा है कि 12% आपके खर्च कर रहा है, जब 12% ये खर्च कर रहा है तो हमारा जो हो जाएगा कितना आपका जब 12% खर्च करेगा तो हमारा 88% जो बनाएगा ये हमारा केवल आपका बचाएगा ठीक है। तुम्हारा 100 से 100 आपका कट जाएगा ठीक है, 72 में 88 का गुणा करेंगे तुम्हारा ये लगभग कितना बनेगा जाकर के मित, ये हमारा 63,360 के समथिंग बनेगा जाकर, 63,360 मतलब कि इतना जो है ये विपिन जो आपका बचा रहा है ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे किसकी बात चंद्र की बजट का कह रहा है कितना परसेंट, तो चंद्र की बजट हमारी कितनी थी आपकी 9,000 थी और हमारी किसकी कितनी लिखी थी 63,360 के लिए थी ठीक है, इंटू में होगा 100 हो जाएगा। अब ये डबल जीरो आपका कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। आप इसको जो है हम कर लेंगे काट लेंगे तो 9 से 63 मतलब कि 7 से डिवाइड बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। देखेगा लव यू जस्टिस जी का पहले राइट आंसर आता है, वेरी गुड। देखिए इन्होंने सॉल्यूशन करके भी भेज दिया, इसी प्रकार सभी लोग करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। 90 नंबर देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है चंद्र की बचत उसकी मासिक आय का 30% है। कह रहा है चंद्र जो हमारी है उसकी जो हमारी बचत है उसकी मासिक आय का 30% है। कह रहा है मासिक आय का 30% है, ना इसकी हमें आय पता है चंद्र की ठीक है, ना ही हमें बचत पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि तो अरुण कह रहा है अरुण विपिन और चंद्र की मासिक आय का कुलयोग बताना है, तो कह रहा है कि तो अरुण विपिन और चंद्र की मासिक आय का कुलयोग बताना है। और अभी हमने जस्ट लास्ट वाले क्लास जो पिछली वाले क्वेश्चन में हमने जो है चंद्र का निकाला था ठीक है, चंद्र का हमारा कितना 30,000 निकला था मासिक आय, ये हमारा ठीक है 30,000 हमने मासिक आय इसका निकाला था चंद्र का, तो यही हमें जो है इस क्वेश्चन में लिखना है। तो चंद्र का हमने कितना आपका 30,000 निकाला था, अब यही कह रहा है कि जो हमारे चंद्र की बचत है वो हमारी किसी है मासिक आय का 30% है। अब बचत कह रहा है आपका ओके मासिक आय का आपका 30% है, तो हमने आपकी कितनी निकाली थी 30,000 निकाली, और यही कह रहा कि वरुण जो है विपिन और चंद्र की मासिक आय का योग बताना, अरुण का योग बताना और विपिन का योग बताना और चंद्र की मतलब तीनों की मासिक आय का योग बताना है। तो योग निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा जाकर के मित्र, सभी लोग जोड़ के आंसर करेंगे तो ये हमारा जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा आपका 3 0 तो आपका ये हो जाएंगे ठीक है, आपका 0 से 0 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 7 3 10 5 15 तो 15,000 हमारा जो बनेगा आपका सॉरी 152,000 के समथिंग बनेगा जाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी मित्र आपका राइट बनेगा ठीक है, सी इज माय राइट बनेगा बिल्कुल। प्रभा चौरसियाजी, प्रतिभा चौरसियाजी वेरी गुड बिल्कुल। रितु लाइफ स्टाइल बिल्कुल, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं ठीक है, वहां पे आपको जोड़ दिया जाएगा, बाकी टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़ जाएगा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए 89 नंबर बताएंगे और सभी लोग थोड़ा सा आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई, लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग, लाइक जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। कह रहा भोजन और मनोरंजन पर मासिक व्यय, इसकी बात कर रहा भोजन और मनोरंजन पर मासिक व्यय करने के बाद कर रहा शेष विपिन की बचत है। विपिन क्या कह रहा है कि विपिन जो हमारा कह रहा है भोजन और मनोरंजन पर ये हमने तो करा दिया, सॉरी फॉर दैट हमने ये क्वेश्चन आपको करा दिया और ये भी आपका हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, 91 नंबर क्या कह रहा है देखेंगे। ये पहली बार क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है इनका सभी का उत्तर देना, ये हमारे तरह से आपके तीन दो कॉलम दिए हुए हैं, एक ये हमारे जो पुस्तक है पुस्तक स्वामित्व आपके जो है ये हमारे व्हाइट कॉलम वाले हैं, और पुस्तक जारी करने वाले हमारे जो है सारे ब्लैक कॉलम वाले हैं ठीक है। और ये हमारे कितना एस लगा करके आपके ई तक दिए हुए, मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब ये 5 आपके जो है शॉपकीपर हो जाएंगे मतलब ठीक है। और हमारे कुल पुस्तकों का स्वामित्व जो हमारा हो जाएगा, एक हमारा फार्मूला दिया हुआ है कुल पुस्तकों का स्वामित्व क्या हो जाएगा, हमारा पुस्तक उपलब्ध जितनी भी होंगी और पुस्तक जारी जितनी होंगी ये सारे हमारे कुल पुस्तकों का स्वामित्व बनेगा, ये फार्मूला आपको याद कर लेना, इससे आपका कई क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व बनेंगे ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है 0 से लगा करके आपके जो है इतनी दी गई है पुस्तकें। चलिए अगला पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सभी 5 विद्यालय पुस्तकालयों में कह रहा उपलब्ध पुस्तकों की औसत संख्या बतानी है, कह रहा उपलब्ध जो हमारी पुस्तकें हैं उनकी औसत संख्या बतानी है। तो यहाँ पे हमें जो है पुस्तक स्वामित्व दिया हुआ है और पुस्तक जारी दी गई, बट यहाँ पे पुस्तक उपलब्ध वाली संख्या नहीं दी गई, बट यहाँ पे हमने देखा था एक कंडीशन हमारी दी गई थी कि कुल पुस्तकों का स्वामित्व जो हमारा होगा वो पुस्तक उपलब्ध प्लस पुस्तक जारी बनेगा। और यहाँ से हम पुस्तक उपलब्ध वाले की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, हमारे जो स्वामित्व वाली पुस्तक होंगी इसमें से हम पुस्तक जारी वाली घटा देंगे ठीक है, स्वामित्व वाली से हम पुस्तक जारी वाली घटा देंगे तो हमारा पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। तो इसी प्रकार में जो पांचों पुस्तकालय जो हमारी लाइब्रेरी है, पांचों लाइब्रेरी का हमने जो है यहाँ पे डाटा हमें निकाल लेना ठीक है। सभी लोग निकाल कर जो है आंसर बताएगा, सभी लोग आंसर तब तक बताएंगे ठीक है। चलेगा क्या, तो यहाँ पे जो है हमारे कितने 5 पुस्तकालय हैं, तो 5 पुस्तकालयों को हमें एक एक करके आपका डाटा निकाल लेना, पेंशन निकाल लेंगे
हमारे ए पुस्तकालय, ठीक है, ए पुस्तकालय में हमारे स्वामित्व पुस्तकें कितनी आपकी 440 है और 300 हमारे पुस्तकें जारी होती है। यार इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा तुम्हारी टोटल कितनी पुस्तकें उपलब्ध होंगी, ठीक है। 440 में 360 घटाएंगे तो मित्र कितना बनेगा जाकर के, आपका ए में तुम्हारा ये जो बनेगा 0 बन जाएगा, ठीक है, आपका 8 बनेगा, तुम्हारा 80 बनेगा जाकर के, ठीक है। यहाँ पे आपके 80 पुस्तकें उपलब्ध है। बी में इसी प्रकार निकालेंगे तो 520 एम 440 घटाएंगे मित्र, तो हमारे 0 बनेगा, आपका 8 बनेगा, तो इसमें भी आपकी जो है 80 पुस्तकें उपलब्ध बनेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा आपका यहाँ पे कैलकुलेशन सही हो रही, यदि गलत हो तो आप लोग बता सकते हैं। फिर इसी प्रकार सी में निकालेंगे तो सी में हमारा कितना निकलेगा, 480 है और ये 420 है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो हमारा 60 निकलेगा, तो सी में हमारी पुस्तकें उपलब्ध होंगी आपकी 60 घटाएंगे। इसी प्रकार डी में हमारा 420 है और 320 है, तो इनके बीच का डिफरेंस निकलेगा तो हमारा कितना आपका 100 निकलेगा, तो यहाँ पे आपके 100 पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। और 540 और 380 के बीच हम निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, आपका डिफरेंस 160 निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारी जो बनेंगे आपकी पुस्तकें उपलब्ध वाली हर जो है आपकी लाइब्रेरी में बन जाएगी, ठीक है। देखिए इतना समझ में आया है कि नहीं ये बताइएगा, यहां तक सभी को समझ में आया है कि नहीं ये बताएंगे। अब कह रहा है कि पुस्तकों की औसत संख्या बतानी, औसत बताओ, हमने क्या बताया गया, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, हमारा ये टोटल कितनी पुस्तकें बनेगी आपकी, या 80 160 और 160 हमारा 60 हो जाएगा, मतलब 220 320 और 380 मतलब कि 480 बनेगी जाकर के, ठीक है। 480 पुस्तकें बनेगी और हमारे कितने पुस्तकालयों की बात कर रहा था आपका, 5 की, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये जो बनेगा कितनी बार जाएगा, 5 × 9 = 45, ठीक है, और 5 × 31 हमारा 96 बनेगी। उपलब्ध पुस्तकों का जो हमारा औसत बनेगा आपका 96 बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि पुस्तकालय कह रहा है ए सी और डी में एक साथ उपलब्ध पुस्तकों की पुस्तकों का, पुस्तकालय बी और ई में एक साथ उपलब्ध पुस्तकों से अनुपात बताना है। इसकी बात करें आपका ए की बात करें, आपका सी की बात करें, आपका डी की बात करें, इनके कह रहा टोटल हमें निकालना है, फिर इसकी बात करें बी और ई की निकालना है और इनका रेशियो निकालना है। तो अभी हमने ए का निकाला था कितना आपका 80 निकला था, और यहाँ पे बी का भी आपका जो हमारा कितना 80 निकला था, और सी का हमारा यहाँ पे कितना आपका 60 निकला था, और डी का हमारा कितना आपका 100 निकला था, और ई का जो हमारा मित्र निकला था ये हमारा 160 निकला था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें क्या करना है, क्या करना है, ए और सी प्लस डी, तो हमारे ए और सी प्लस ए का हमारा कितना 80 है, सी का हमारा 60 है, डी का हमारा 100 है, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल बनेगा ए प्लस सी प्लस डी का मित्र कितना बनेगा, जितना बोलता जाए बस उतना करते जाएगा, ठीक है। 80 60 हमारा 100 बनेगा, 80 60 कितना 140, मतलब की 240। अब इसके आप बी और ई की बात कर रहा था, बी प्लस ई देखेंगे, हमारा बी में कितना आपका 80 है और ई में कितना आपका जो है यहाँ पे 160 है, तो 80 और हमारा 160 जोड़ेंगे तो हमारा कितना 240 ये भी बनेगा। अब कह रहा था कि इनका अनुपात निकालना है, ठीक, अनुपात निकालना है तो हमारा कितना बनेगा, 240 से 240 कट जाएगा, हमारा 1:1। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, 1:1 इज द राइट आंसर बनेगा, जो इनका अनुपात बनेगा। बिल्कुल गुड इवनिंग कोमल जी, आपका आप लोग जो है बहुत लेट जुड़ी है, आप लोग रैंक 93 नंबर। यहां पे क्या कह रहा है, 93 नंबर बताएंगे सभी लोग, कह रहे कि पुस्तकालय कह रहा है कि ए और डी में उपलब्ध पुस्तकों की एक साथ पुस्तकालय बी और ई में उपलब्ध पुस्तकों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो जस्ट अभी हमने निकाला था ए में कितने पुस्तकें उपलब्ध निकाली थी, आपकी 80 निकाली थी, और उपलब्ध पुस्तक कैसे निकाली थी, तुम्हारी पुस्तक स्वामित्व और पुस्तक जारी थी, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या पुस्तक उपलब्ध बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार किसी आपका डी की बात करें तो डी में हमने कितनी निकाली थी आपकी, यहाँ पे जो है 100 पुस्तकें निकली थी। तो यही कह रहा है ए और डी में हमारी टोटल कितनी पुस्तकें उपलब्ध निकली है, कुल हमारी ए प्लस डी में मित्र कितने निकले हैं, 100 + 80 मतलब कि आपका 180 निकली है। अब बी और ई में उपलब्ध पुस्तकें कितनी बनेंगी देखेंगे, बी में अभी हमने निकाली थी जस्ट आपका कितना यहाँ पे 80 निकाली थी, और ई में कितनी मित्र आपकी जो है 160 निकाली थी, तो बी और आपका ई में कितना आपका 80 और 160 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो बनेगा आपका 240 बनेगा जाकर के, ठीक है, 240 बनेगा। अब यही कह रहा है कि मतलब बी प्लस ई में उपलब्ध पुस्तकों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक दिख रहा होगा आपका, 240 से हमारा 180 आपका अधिक है, और किससे तुलना कर रहा था, तो अभी हमने बताया कि जिससे तुलना की जाए उसको हम अपान में लिखते हैं, ठीक है। तो 93 का जो बनेगा यहाँ पे अपान में क्या बनेगा आपका, 240 हो जाएगा और इंटू में आपका 100 बनेगा। अब इसको मित्र सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा 240 से ये 180 घटाएंगे तुम्हारा कितना बनेगा आपका 18 × 6 = 24 मतलब कि 60/2 240 इंटू में आपका 100 बनेगा, तो ये जो बनेगा आपका 25% बनेगा जाकर, ठीक, टोटल काटेंगे तो 60 × 240 और 4 से काटेंगे तो 25%, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका 25% जो हमारा कम हो जाएगा पिछले वाले से तुलना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जितना बोला जाए बस उतना करते जाएगा, आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हो। और हमने कई बार आपको बताया है कि आपकी जो डीआई होती है 20 नंबर की तो आती है, बट उसमें से आपका जो है यहाँ पे पांच क्वेश्चन थोड़े से आपके टफ मिलेंगे और 15 क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग बताएंगे आपका, बताएंगे यहाँ पे 94 कह रहे पुस्तकालय डी में उपलब्ध पुस्तकें, अब डी की बात करें तो डी में हमने कितनी निकाली थी, डी में हमारी 100 उपलब्ध पुस्तकें निकाली थी, जितना बोला जाए बस उतना करते जाएगा, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। और फिर कह रहे पुस्तकालय बी और ई के पास एक साथ स्वामित्व पुस्तकों का कितना प्रतिशत है, कह रहे बी और ई की बात
बी और सी की बात कर रहा है तो बी हमारा ये हो जाएगा, सी हमारा ये, और इसमें किसकी बात कर रहा है आपका स्वामित्व पुस्तकों की बात कर रहा है, और स्वामित्व पुस्तक हमारी कौन सा आपकी जो है वाइल्ड लाइन जो हमारी हो जाएगी, इसमें 520 है बी में और इसमें आपकी 480 है, तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल यही तो बात कर रहा है आपका एक साथ, तो हमारे 520 और 480 का टोटल जो बनेगा हमारा 520 और हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 600 मतलब कि 1000 बनेगा, ठीक है, ये हमारा 1000 जो टोटल यहाँ पे बी और सी की स्वामित्व पुस्तक बनेगी 520 और 480 1000 आपकी बन जाएगी। अब कह रहा है कि इनका कितने प्रतिशत है, तो जस्ट कुछ नहीं करना हमारा, किससे तुलना कर रहा है आपका अपान में 1000 आ जाएगा, 1000 के लिखा क्योंकि बी प्लस सी की कितनी आपकी 1000 निकली है और डी की कितनी आपकी 100 निकली थी, आपका 100 हो जाएगा इनटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको मित्र काट लेंगे तो हमारा ये जो बनेगा जाकर के 10% बनेगा जाकर के, ठीक है 10% बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पे बी राइट बनेगा, ठीक है बी हमारा राइट आंसर बनेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा जितना यहाँ पे बोला जाए बस उतना करते जाएगा, आप लोग आसानी से यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। अगला देखिए 95 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और आप थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर भरोसा रखेंगे और जो है धैर्य बनाकर रखेंगे तो आप आसानी से बिल्कुल जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है थोड़ा सा ये आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पे कर लेंगे। क्या कह रहा है कि पुस्तकालयों में पुस्तकालयों के स्वामित्व वाली कुल पुस्तकों, क्या कह रहा है सभी पुस्तकों द्वारा जारी की गई पुस्तकों के बीच अनुपात बताना, कह रहा है कि जितनी भी आपकी स्वामित्व पुस्तकें हैं उनका टोटल निकालना है, फिर कह रहा है पुस्तक जितनी भी जारी की गई उनका टोटल निकालना है, फिर हमारे इसके बाद क्या बनाना है आपको जो है रेशियो बताना है, तुम स्वामित्व वाली पहले निकालेंगे तो स्वामित्व वाली देखेंगे आपकी कितनी पुस्तकें निकलेगी, तो इसमें आपके 440 है स्वामित्व वाली, हमारे जितनी भी आपके जो है यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट लाइन लिखी हुई है हमारे व्हाइट कॉलम है ये सारे आपके स्वामित्व वाली है, 440 520 आपका 480 बनेगा, 420 बनेगा आपका 540 बनेगा, तो यहाँ पे तो मित्र टोटल बनेगा आपका कितना बनेगा आपका जीरो हो जाएगा, फिर 4 2 6 और 6 8 कितना हो जाएगा आपका 14 दो कितना हो जाएगा आपका 16 4 20 दो हमारा कैरी बचा, फिर 5 2 7 4 11 और 11 4 15 15 5 20 और 20 4 कितना हो जाएगा 24 2400 आपका जो है स्वामित्व पुस्तकें बनी। इसी प्रकार जो हमारे इसकी बात करें आपका जारी पुस्तकें, तो हमारी जारी पुस्तकें देखेंगे आपकी कितनी बनेगी, ये हमारी देखेंगे जारी हमारी जो ब्लैक कॉलम हो जाएंगे ये सारी आपकी जारी पुस्तकें बनेगी, इसमें 380 है 320 है आपका 420 है 440 और 360, तो इसको जोड़ेंगे 380 20 कितना 4 3 700 बनेगा 7 4 11 120, ठीक है 1120 और यहाँ पे जो बनेगा 1820 और यहाँ पे 1920, तो हमारा जो बनेगा ये लगभग हमारा 1920 के समथिंग बनेगा जाकर के, ठीक है तो यहाँ पे आपका 1920 आपका बनेगा जाकर के, ठीक है जारी पुस्तकें हमारी टोटल 1920 बनेगी। आप कह रहा है इन्हीं का हमें जो है रेशियो बताना है, तो रेशियो हमारा कैसे निकालेंगे आपका 0 से 0 मीटर कट जाएगा और हमारा ये किससे काटेंगे आपका 24 से कटेगा, देखेंगे 24 से आपका कट सकता है बिल्कुल 24 से काटेंगे 24 240 और हमारा 24 8 192 हमारा ये 8 से काटेंगे आपका 2 से काटेंगे 5 10 2 4 तो 5:4 आपका बनेगा, तो यहाँ पे हमारी जो रेशियो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, ठीक है बिल्कुल वेरी गुड। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो, बिल्कुल भाई वेरी गुड, आपने कितनी अच्छी लाइन लिखी लवी दृष्टि ने। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे, ओके चलिएगा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बताएंगे सभी लोग, कह रहे यहां पे उत्पन्न कुल राजस्व बोला है, कुल राजस्व आपका उत्पन्न इतना आपका 1,20,000 बोला, ठीक है 1,20,000 बोला है, जिसमें आपका ऋषिकेश में आपका टोटल 18% आपका हो रहा है, चंडीगढ़ में 21% का आपका राजस्व हो रहा है, राजस्व मतलब आपका खर्चा, ठीक है जयपुर में 22% आपका 15% और शिमला में, और इधर हमारे जो शहर में क्या हो रहा है ये शहर आपके दिए इसमें आपका निरस्त की हुई है टिकटें दी गई, मतलब कि निरस्त की गई टिकटें चंडीगढ़ में आपके 3 टिकटें निरस्त हो रही है, जयपुर में 12 मनाली में 10 आपका शिमला में 13 और ऋषिकेश में 15, तो क्या आपका यहाँ पे निरस्त टिकटों की कोई प्रतिपूर्ति नहीं है, तो इसी प्रकार आपका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बताएंगे। लेगा बताएंगे सभी लोग थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा बाकी, ओके चलेगा बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, चलेगा बताएंगे तब तक आप लोग। 96 क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहे यदि मनाली की यात्रा करने के प्रत्येक टिकट का मूल्य कह रहा है 1200 है, तो कह रहे यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है,
कह रहे यदि मनाली की यात्रा करने के प्रति टिकट का मूल्य 1200 है तो कह रहे यात्रा करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। तो अभी हमने बताया हमारा कुल राजस्व का इतना हो रहा है 1,20,000 और शिमला में आपके टिकट जो निरस्त किए गए आपके टोटल यहाँ पे इतने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन बोला जाए बस उतना करते जाएगा, ठीक है। 96 में तो यहाँ पे हमने माना क्या कि मतलब जो मनाली जो हमारे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या हमने जो आपकी यक्ष मान ली, ठीक है। यक्ष इसलिए मान ली जो आपका बहुत ही आसानी बनेगा, हमारे जो व्यक्ति जा रहे होंगे कितने आपके यक्ष लोग जा रहे होंगे मनाली, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे सॉरी आपके मनाली यात्रा करने वाले यक्ष लोग जा रहे होंगे, अब टोटल वहाँ पे हमारे कितने हो रहे हैं यहाँ पे यात्रा के, मनाली हमारा कहाँ पे है आपका, मनाली आपका 15%, मतलब कि 1,00,000 जो है हमारा 20,000 का 15% आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1,20,000 का यहाँ पे 15% जो बनेगा ये लगभग जो बनेगा ये हो जाएगा। और कह रहा मनाली की यात्रा करने के लिए कह रहा कि प्रत्येक टिकट का मूल्य कितना आपका 1200, जब प्रत्येक टिकट का मूल्य हमारा 1200 है और टोटल हमारे व्यक्ति हमने कितने आपका यक्ष माने, जब एक टिकट का मूल्य आपका 1200 है हमारे टोटल व्यक्ति कितने हो रहा है, तो हमारा टोटल जो खर्चा होगा हमारा 1200 गुणा में यक्ष बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे इसके लोग, ठीक है। जब एक टिकट का मूल्य हमारा 1200, एक व्यक्ति का मूल्य 1200 है, तो हमारे यक्ष व्यक्ति हमने माने तो यक्ष व्यक्ति का कितना यक्ष गुणा में 1200 बनेगा। प्लस में आपका यहाँ पे क्या कह रहा कि मनाली की यात्रा करने के प्रत्येक टिकट का मूल्य कह रहा 1200, तो कह रहा तो यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा था, ठीक 1200 गुणा में 10, 1200 गुणा में आपका 10 यहाँ पे इसलिए किया हमने, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे निरस्त किए गए टिकट हमारे कितने 10% हो जाएंगे, ठीक है। 1200 का हमारे 10% तो आपके निरस्त किए गए और बाकी टोटल टिकट हमारे यहाँ थे और बराबर हमारा कितना आपका ये 1,20,000 का 15%, तो 1,20,000 का ये हम 15% निकालेंगे, ठीक है। 1,20,000 का 15% यहाँ पे निकालेंगे तो 15/100 00 से 00 कटेगा और यहाँ पे 00 हो जाएगा, ठीक है। और 15/12 कितना आपका 180 बनेगा, मतलब कि यहाँ पे 17,000 तो 18,000 के समथिंग बनेगा, तो बराबर में हमारा कितना आपका 18,000 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके जो हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, तो ये हमारा कितना 1200x हो जाएगा, ये हमारा 12,000 हो जाएगा, तो 1200x बराबर कितना बनेगा आपका, ठीक है, ये 12,000 हमारा कितना 18,000 घटेगा, मतलब 6,000 बनेगा, ठीक है 6,000। तो यहाँ पे जो हमारे x की वैल्यू कितनी निकलेगी आप देखेंगे, बारह पंचे 60, तो मतलब कि आपका जो बनेगा आपका यहाँ पे 1200 था ना आपका, 12,000 हमने लिख दिया है, 12/5 60, हमारी एक्स की वैल्यू जो बनेगी आपके 5 बनेगी, तो एक्स बने बराबर 5, हमारे व्यक्ति जो बनेंगे आपके 5 बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे रख बनेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग, बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले हमें जो है ग्राफ को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है, पहले नीचे दिए गए ग्राफ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, पहले ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और कह भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया, मतलब कि हमारे 7 छात्र हैं एक लेकर के आपके 7 छात्र, और इनमें से पर्टिकुलर सभी का जो है भूगोल और किसका आपका इतिहास और भूगोल, मतलब कि इतिहास आपका ऊपर होगा और भूगोल आपका यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है। पहले उनको हमारा जो आपका अनुपात दिया गया, ठीक है, अनुपात दिया गया हमारा पर्टिकुलर आपका ये दिया गया और उनके अनुपात इतिहास से दिए गए, तो यहाँ से आपको जो है बिल्कुल फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, पहला क्वेश्चन आपका मित्र क्या कह रहा है, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे जरूर से जरूर। पहले कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं, पहले ऐसे कितने छात्र हैं जो हमारा भूगोल की अपेक्षा कर रहा है इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, तो हमें करना क्या बाई ऑप्शन, इसको ऑप्शन नहीं आपको सभी को चेक करना पड़ेगा। तो हमने जैसे पहला आपका छात्र मान लिया, तो पहले छात्र हमारा कितना आपका 65.65 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 65/100, ठीक है 65/100, और हमारे ऊपर वाले अभी हमने बताया आपका जो है इतिहास बने मतलब हिस्ट्री के बनेगा और नीचे वाले ज्योग्राफी के मतलब की भूगोल के, इसी प्रकार इसको हम 85/100 लिख देंगे, ठीक है 85/100, और इसको हम क्या लिखेंगे आपका 35/100 लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे आपका 125/100 लिखेंगे, ठीक है, और ये हम 140/100 लिखेंगे, और इसको हम 95/100 लिखेंगे। समझने का भाई प्रयास करेंगे, थोड़ा सा टिकी क्वेश्चन है आपका यहाँ भी, और ये हमारे 155/100 आपका सॉल्व करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी ये बताएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो बताएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आपको दोबारा से बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, कह रहा कि ऐसे कितने छात्र जिन्हें भूगोल की अपेक्षा करा इतिहास में अंक प्राप्त है, मतलब कि भूगोल में सभी के अंक कितने आपके 100 हैं, मतलब कि ऐसे कितने छात्र हैं जिनके आपके 100 से अधिक अंक प्राप्त हैं, 100 के अधिक अंक जो हमारे इतिहास में प्राप्त है। तो अभी हमने बताया ऊपर वाले क्या हमारे इतिहास हो जाएंगे, हिस्ट्री हो जाएंगे, नीचे वाले ज्योग्राफी, तो पहला हम देखेंगे छात्र हमारे 100 से 65 मतलब कि यहाँ पे आपका कम हो रहा है, तुम्हारा पहला तो आपका होगा नहीं, ठीक है पहला आपका छात्र यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसने जो आपका 100 से कम अंक प्राप्त किए, बट इसने बोला 100 से अधिक होने चाहिए। अब इसमें 85 इसने प्राप्त किया आपका ये भी नहीं होगा, और इसने आपका 100 में से 35 प्राप्त किया आपका ये भी नहीं होगा, इसने आपका देखा होगा आपका 100 से अधिक मतलब कि 125 अंक प्राप्त किया आपका इतिहास में, जो कि हमारा ये आपका हो सकता है, एक हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हमारा 140/100 मतलब कि आपका 100 से अधिक अंक प्राप्त किए। कोई बात नहीं रानी जी, तो यहाँ पे आपका ये भी आपका हो जाएगा, तो दो आपके यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा आपका ये बनेगा, इसमें भी आपका 100 से अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं ना बचपन हमारे इतिहास में, तो हमारा तीसरा आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका 100 से कम अंक प्राप्त हो रहा है आपका ये भी नहीं होगा। तो कितने छात्र आपके होंगे जिन्हें आपके 100 से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब कि भूगोल से अधिक अंक प्राप्त किया, आपका एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो तीन छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने आपके भूगोल से अधिक अंक प्राप्त किए।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट आंसर। समझ में आया है कि नहीं ये बताएगा। बिल्कुल माया यादव जी आप सभी लोग राइट आंसर करें, वेरी गुड। 97 नंबर देखें बेहतरीन क्वेश्चन। आपको ऐसे कोई समझाएगा नहीं क्वेश्चन जैसे आपने आपको समझाया बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बेकार है। बताएंगे थोड़ा सा आप भी जो है प्रयास करेंगे, एफर्ट डालेंगे थोड़ा सा समझने का, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। कह रहा कितने आपको कह रहा किन छात्रों को कह रहा भूगोल की अपेक्षा करा इतिहास में अंक कम अंक मिले। तो जस्ट अभी हमने बताया आपका इसमें कितना हो जाएगा 65/100 हो जाएगा, हमारा 85/100 हो जाएगा, और ये हमारा 35/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 125/100 हो जाएगा, और ये हमारा कितना 140/100 हो जाएगा, और ये हमारा 155/100 हो जाएगा, और ये हमारा 95/100 हो रहा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या इसकी क्वेश्चन क्या करा करा किन छात्रों ने कहा भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए। अब की बार किसकी बात कर रहा है आपका कम अंक की बात कर रहा है, और यहाँ पे सभी को पता होगा आपका ऊपर वाले कितने आपके इतिहास वाले हो जाएंगे, नीचे आपके ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल वाले हो जाएंगे, और सभी को भूगोल को यहाँ पे जो है वैल्यू जो है 100 आपकी जो है सेम दी गई है। तो हमें केवल ऊपर वाली ऐसी वैल्यू देखनी है जिनका जो है कम लिखा हो, 100 से कम लिखा हो। तो यहाँ पहला आपका बिल्कुल आपका हमारा जो एक छात्र हो जाएगा इसका भी आपका 100 से कम है तो आपका ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा भी आपका 100 से कम है 85 है तो आपका दूसरा भी हो सकता है। अब यहाँ पे तीसरा हमारा 35/100 ये भी 100 से कम आपका तीसरा भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका जो है ये नहीं होगा आपका डी आपका चौथा छात्र आपका नहीं होगा क्योंकि इसने आपका 125 अंक गेन कर लिए, और आपका ये भी 140/100 है इसने आपका 100 से ज्यादा गेन कर लिए, ये भी आपका फाइव छात्र भी नहीं होगा। हमारा 155/100 इसने भी आपका जो है 100 से अधिक अंक गेन कर लिए, ये भी आपका नहीं होगा। बट हमारा जो है 7 नंबर आपका जो है 6 नंबर छात्र, ये आपका 6 नंबर वाला है ना, 6 वाला। ठीक है, 6 नंबर छात्र ने आपका 95/100 प्राप्त किए, मतलब 100 से आपका कम है तो आपका ये वाला हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा बनेगा, पहला बनेगा आपका, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा आपका, छठा बनेगा। 1, 2, 3, 6 किसमें दिख रहा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 98 नंबर देखें, बेहतरीन क्वेश्चन आपका सभी लोग बताएंगे, ये भी थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग आसानी से आंसर बता सकते हैं। ठीक है भाई, क्लास को लाइक कर देंगे जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और शेयर करेंगे यदि आपका मन हो, यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर भी कर सकते हैं। पहले छात्र 3 से छात्र 4 तक भूगोल में अंकों की प्रतिशत वृद्धि बतानी, करें भूगोल में अंकों की प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो कक्षा 3 हमारा देखेंगे आपका जो 3 वाले छात्र कौन आपके 35/100, मतलब कि आपका 35/100 हो जाएगा, इसमें भूगोल में आपका 100 अंक प्राप्त किए और इसमें आपका 35 जो है आपका अंक हो जाएगा। और करें आपका 4 में तुम्हारा 4 हमारा जो है ये वाला हो जाएगा, मतलब कि 125/100 हमारा कितना हो जाएगा 100। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, करें भूगोल में अंकों की प्रतिशत वृद्धि बतानी, भूगोल की बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो बताएंगे 98 का क्या बनेगा, थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग 98 का। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें भी आपका 100 अंक प्राप्त है, इसमें भी आपका भूगोल के 100 अंक प्राप्त है, तो बेसिकली यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका, मतलब कि आपके आंकड़े प्राप्त है, आंकड़े पर्याप्त है, क्योंकि आपका 100 आपका जो जियोग्राफी जो हमारा भूगोल है, भूगोल की कोई आपकी पर्टिकुलर कोई ओरिजिनल वैल्यू आपकी नहीं दी गई, मतलब कि आपका मेन वैल्यू आपकी जो है नहीं दी गई है, तो आपका जो है यहाँ पे परसेंटेज आपका नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ग्राम में दिया गया था केवल केवल आपके अनुपात की बात की गई थी, इसलिए आपका यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकलेगा। यदि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई आपका मेन वैल्यू दी जाती तो हम यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज निकाल सकते थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक, बिल्कुल मनीष सर आपका डी राइट बनेगा। आपका 99 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बताइएगा सभी लोग 99 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि इतिहास अपॉन भूगोल के अधिकतम अनुपात न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना, कह रहा है कि ऐसा कौन सा आपका हो जाएगा इतिहास और भूगोल के कह रहे हैं अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको ग्राफ में आपको बहुत ही अच्छी नजर से देखना है। तो यहाँ पे देखें सबसे कम हमारे अनुपात किसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा सबसे कम अनुपात आपका 0.35 है, क्योंकि हमारा जो ग्राम में दिया गया था केवल आपका अनुपात की वैल्यू दी गई थी, सबसे कम अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 0.35 हो जाएगा, और सबसे ज्यादा अनुपात आपको दिख रहा होगा तुम्हारा 1.55 आपका सबसे ज्यादा अनुपात दिख रहा है। तो यही कर आपका मैक्सिमम अनुपात और न्यूनतम अनुपात के बाद का अंतर बताना, तुम्हारा मैक्सिमम अनुपात कितना आया 1.55 आया, ठीक है, और न्यूनतम अनुपात कितना आया 0.35 आया। ठीक है, ये हमारा आया, तो इसका अंतर बताना है, तुम्हारा अंतर कितना निकलेगा आपका 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर हमारा 1.20 बनेगा, जो हमारा मैक्सिमम अनुपात और हमारा न्यूनतम अनुपात के बीच अंतर जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका 1.20 बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा आपका बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। ठीक है, बिल्कुल कैसे दिखाई दे रहा आपका, यहाँ पे हमने बोला ना कि आपकी वैल्यू जो है आपकी रेशियो में दी गई, रेशियो में दी गई, तुम्हारी रेशियो का मतलब कि आपके जो है ओरिजिनल वैल्यू ही नहीं दी गई आपका। बताएंगे 100 नंबर बताएंगे सभी लोग, भाई क्लास को लाइक कर देंगे सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर करेंगे। डीआई बेसिकली सिंपल बहुत होती है, जितना बोला जाए बस उतना करते रहेगा। करें छात्र 4, तो हम छात्र 4 में तुरंत आपका आ जाएंगे, छात्र 4 हमारा कहां पे आपका ये है, करें को भूगोल में कह रहा 60 अंक मिले, करें भूगोल में कह रहा 60 अंक मिले हैं, तो करें इतिहास में कितने अंक मिले, 4 छात्र हमारा कहां पे आपका ये वाला है, हमारा 125/100 मतलब कि आपका 100 दिया गया है। ठीक है, 125/100 दिया गया है, और हमारा नीचे था क्या था, हमारे ये भूगोल वाले अंक थे और ये हमारे इतिहास वाले अंक थे। ठीक है, ये इतिहास वाले अंक थे, अब कह रहा कि भूगोल का अंक हमें जो है 60 दिया गया, तो अभी जस्ट हमने बताया कि जिसकी वैल्यू दी जाए उसको हम अपान में लिखते हैं, मतलब कि 60 हो जाएगा हमारा, 60 वैल्यू आपकी दी गई है,
इसमें से 60 वैल्यू किसकी दी गई आपके भूगोल की थे, बट यहाँ पे भूगोल है कितने आपके 100 वाले हो जाएंगे, तो 100 हमारा नीचे आ जाएगा। जिसकी वैल्यू दी जाए उसको हम क्या लिखेंगे, अपान में लिखेंगे, और जिसकी पता की जाए मतलब कि पूछा जाए तो उसको हम क्या करेंगे, गुणा में लिखेंगे। अब इतिहास की वैल्यू पूछा तो हमारे इतिहास में कितने आपके 125 आपके हो जाएंगे, तो इंटू में 125 हो जाएगा। तो इसको 0 से 0 मीटर आपका काट लेंगे, आपका 5 से काटेंगे आपका 5 दूनी 2 बनेगा, और यहाँ पे 25 दो से काटेंगे हमारा 3 बनेगा, तो 25 गुणा में 3 बनेगा आपका क्या बनेगा, 75 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, जो इतिहास में अंक मिलेंगे उसे 75 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे वन नंबर देखेंगे, सभी लोग ध्यान से पड़ेगा और आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में कह रहा है 6 विभिन्न उत्पादों का चयन करने वाले लोगों की संख्या दी गई, मतलब कि 6 लोगों की संख्या दी गई, कह रहा है इन उत्पादों का चयन करने वाले पुरुषों महिलाओं और कह रहा है बच्चों का प्रतिशत दिया गया है, कह रहा है इस तालिका का भली बात अध्ययन करके, क्या कह रहा है भली बात की बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर देना। क्या कह रहा है कि 6 विभिन्न उत्पादों का चयन करने वाले की संख्या तथा इन चयन करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का प्रतिशत दिया, मतलब कि हमारे पुरुषों का प्रतिशत दिया हुआ, महिलाओं का परसेंटेज दिया हुआ, और अपने बच्चों का परसेंटेज दिया, और हमारे इधर जो हमारे टोटल यहाँ पे उनकी संख्या दी गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपका परसेंटेज और आपकी कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, तभी आप ऐसे कर सकते क्वेश्चन। बिल्कुल चलेगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 81 नंबर, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्पाद जो हमारा ई है, तो उत्पाद ई कहां पे हमारा, देखेंगे तुरंत सर्कल लगने लगा कि किसकी बात करा, उत्पाद ई की, तो हमने उत्पाद ई देख लिया। फिर कह रहा है उत्पाद ई का चयन करने वाले बच्चों, अब कह रहा है बच्चों की बात करा तो हम देखेंगे बच्चे भाई सब कहां पे, तुम्हारे उत्पाद ई में बच्चे कितने आपके 70% है। कह रहा है कि बच्चों की संख्या बतानी, मतलब कि हमारे इधर के आप गए सारे जितने आपके परसेंटेज की बात की गई ना, और ये हमारी संख्या है, तो हमें करना क्या है, जो हमारे ई में टोटल कितने आपके उत्पादों वाले की कुल संख्या कितनी आपकी 36,230, तो 36,000 टोटल आपकी 230 है, और इसमें से आपके 70% केवल आपके बच्चे हैं, तो इसका 70% हम निकालेंगे तो अपान में आपका 00 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बोला ना आपकी कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है कौन सा बनेगा आपका, जिसके लास्ट में आपका 1 होगा, तो ये 1 आपका जो है दोनों ऑप्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे 7×21, तो आपका देखेंगे आपका जो 21 से ऊपर लिखा हुआ आगे वही हमारा आंसर बनेगा, तो आपका 81 का जो बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे बी हमें लग रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, बी आपका राइट बनेगा। ऐसे आपको जो है बिना हमने जो है आपका गुणा किया, हमने जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बता दिया, किस लिए बता दिया कि 7×21 लाख में हमें पता चलेगा आपका 1 आएगा। अच्छा 1 आएगा, और हमें यह कंफ्यूज होगा कि आपका पहला आपका सी और पहला और सी आपका ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब 25 और 21 में कंफ्यूजन था, अब यहाँ पे हमने आगे वाला देखा कि 7×21, तो हमारा 21 से आपका ऊपर ही क्वेश्चन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ऑप्शन नंबर भी बता दिया, इसलिए बिल्कुल देखिएगा भी बिल्कुल राइट आंसर बनाया, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड सभी लोग राइट आंसर देखिएगा। और दीजिए स्टडी जी आप बहुत लेट जुड़े हैं आज, क्या बात है आप बहुत लेट हो गए आज, चलिए 82 का आंसर बताएंगे सभी लोग। अच्छा फिर कह रहे हैं कि सभी उत्पादों का मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे, कह रहा है कि सभी उत्पादों मतलब कि जितने भी आपके उत्पाद हैं ए से लेकर के आपका डी तक, जितने भी आपके 6 उत्पाद हैं, कह रहा है का उत्पादों का मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या, कह रहा है महिलाओं की औसत संख्या, अब यहाँ पे महिलाओं का हमें क्या परसेंटेज दिया गया है, तो हमें क्या करना सभी का पर्टिकुलर हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, कितने 46,280 का 25%, फिर इसका 45,540 का 35%, 32,240 का 55%, और 60,430 का 50%, और 36,230 का 20%, और यहाँ पे कह रहा कि 53,990 का 40%, इन सभी का परसेंटेज निकाल के हमें जो है यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो हम देख लेंगे आपकी कुल महिलाएं कितनी बनेगी। ठीक है, कुल महिला देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अपने आप पर जो है स्पेशन बना कर रखिएगा। ठीक है, और आप लोग भी सॉल्व करेंगे, तो यदि हम 46,280 का 25% हम मीटर निकालेंगे तो कितना बनेगा जा करके, तो 25% आपका 1/4 हो जाएगा, तो ये हमारा जो है यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख देंगे, तो कुल महिला जो हमारा बनेगा लगभग जो बनेगा जा करके ये, ठीक है, ये आपका जो है 11,570 के समथिंग बनेगा जा करके। ठीक है, हमारा पहले वाले में, ठीक, ये तुम्हारा क्लियर होगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद बी में देखेंगे, तो बी हमारा कितना 45,540 का 35% है, तो इसका मीटर निकालेंगे तो ये भी लगभग जो बनेगा जा करके आपका 15,943 के समथिंग आपका बनेगा जा करके। ठीक है, समझने का भाई प्रयास करेंगे, बिल्कुल हर हर महादेव अंकित शर्मा जी। ठीक है, इसके बाद हमारा बी भी कंप्लीट हो चुका है, सी में देखेंगे तो सी में हमारा 32,240 का 55%, तो 32,240 का आपका 55% मीटर निकालेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 170 मतलब की 17,732 के समथिंग आपका बनेगा जा करके। हमारा सी भी कंप्लीट हो चुका है, जितना आपका कंप्लीट हो जाए आपको टिक लगाते रहना है, बिल्कुल प्रणाम, बिल्कुल वेरी गुड रानी जी। डी देखेंगे आपका डी, ठीक है, डी में देखेंगे 60,430 का हमें 50% निकाला है, तो 60,430 का हमारा 50% मीटर निकलेगा, ये हमारा कितना निकलेगा आपका 30,215 के समथिंग मीटर निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा डी भी कंप्लीट हो चुका, बचा के आपका ई, तो ए में हमारे 36,230 का हम 20% निकालेंगे मित्र, तो हमारा 7,246 के समथिंग आपका बनेगा जाकर के। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा किसका आपका एफ प्रोडक्ट, तो एफ प्रोडक्ट हमारे 53,990 का 40% निकालेंगे, तो मित्र ये बनेगा जाकर के आपका लगभग जो बनेगा 21,596 के समथिंग। अब हमारे यहाँ पे मित्र कुल महिलाएं तो आ गई, कुल महिलाएं आ गई, अब इनका जो है टोटल कर लेना है, तो टोटल यहाँ पे जो मित्र निकलेगा आपका कितना निकलेगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो लगभग हमारे 1,00,000 के समथिंग बनेगा जाकर, 1,42,000 हमारा जो है
98 के समथिंग बनेगा, सभी लोग जोड़ लेंगे हमारा इसी प्रकार बनेगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे औसत निकालना, तो हमारा औसत कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया आपका कुल पदों का योग बटे एक पदों की संख्या, तो हमने कितना निकला 142,000, यहाँ पे 98 के समथिंग आपका निकाला, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, आपका 6 से डिवाइड करेंगे, आपका 6 प्रोडक्ट थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर बनेगा वही मित्र आपका आंसर बनेगा यहाँ पे, वही आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 82 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा, 17383 माय राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। देख सकते हैं कितनी लंबी कैलकुलेशन होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। और कुछ लोग क्या होंगे, देखिए भाग गए यहाँ से जब क्वेश्चन टपाया, और यदि आप भाग गए तो आप लोग जो है यहाँ पे एग्जाम में भाग जाएंगे और आपका जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके नंबर कम आएंगे, ठीक है। ठीक है चलिए 83 नंबर देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और जो है यहाँ पे आंसर करेंगे कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने का जो है आपका, यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ लीजिएगा आपका 50% क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। कह रहा कि उत्पाद ए, तो उत्पाद ए का हमारा क्या है, हमने उत्पाद ए में टिक लगा लिया तुरंत, उत्पाद ए कह रहा है चयन करने वाली महिलाओं, अब किसकी महिलाओं की बात कर ली, तो हमारी कितनी इसमें हमकी महिलाएं 25% हो रही, ठीक। कुल संख्या का कह रहा कि डी का चयन, कह रहा है कुल संख्या का डी का चयन करने वाली महिलाओं की संख्या से क्रमशः अनुपात बताना है। अब कह रहा है डी का चयन करने वाले की महिलाओं की संख्या का अनुपात यहाँ पे बताना है। अब अच्छा यहाँ पे कुछ क्या करेंगे, कुछ नए विद्यार्थी होंगे वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगेंगे। हमने बोला ना डीआई का क्वेश्चन हमेशा क्या करना है कि बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग से आपको करना है, और अभी हमने जो है महिलाओं की संख्या यहाँ पे निकाली थी, ये ए की थी, ये आपकी बी की थी, आपकी सी की थी, आपकी डी की थी, आपकी ई की थी, आपका एफ की थी, तो आपके आने वाले क्वेश्चन में हमें जो है आपको ये नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बी आपकी डी ए की और आपकी डी की निकालेंगे, तो हमारे ए में कितना था आपका 11,570 था और डी में हमारा 30,215 था, तो हमारे 11,570 आपका कितना था आपका ए में हमने निकाला था 11,570 और डी में हमने मित्र कितना निकाला था, यहाँ पे सभी लोगों ने बताएंगे आपका यहाँ पे 30,215 निकाला था, ठीक है। ये आपको एग्जाम में कभी भी दोबारा आपको नहीं करना, तो हमने बोला ना डीआर को बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग से करना है और अभी से आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। अब इसकी क्या कह रहा है कि अनुपात निकालना है, तो अनुपात मतलब क्या आपका रेशियो निकाला, तो इसको काटे पीटेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा जाकर आपका 11,570, तो ये जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। सी माई राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो हमारा कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड। सभी लोग राइट आंसर करेंगे, बिल्कुल संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए, वेरी गुड है, हाय बिल्कुल हेलो स्वागत है आपका संदीप जी। 84 नंबर देखेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या क्वेश्चन है आपको बस समझना है, समझना क्वेश्चन पढ़ने का मेथड आपको जो है आ गया, तो समझ लीजिए डीआई आपके जो है उंगलियों पर होगी। करे उत्पाद सी, उत्पाद सी हमने क्या किया, उत्पाद सी में हमने तुरंत सर्कल लगा लिया, करे कि चयन करने वाले बच्चों, अच्छा बच्चों की बात की तो हमने क्या किया, बच्चे देखेंगे इसमें कितने आपके 30% है, सी में हमने 30% आपका जो सॉरी 20% हमने 20% भी आपका जो है लगा लिया, ठीक। कह रहा कि संख्या उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितना परसेंट, अब कह रहा उत्पाद बी का, तो उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी आपकी 40 हो जाएगी, 40% हो जाएगी, ठीक है। अब हमें जो है पूरा सभी कुछ पता चलेगा, आप कह रहा है इसका कह रहा है कि हमें परसेंटेज बताना, तो पहले हम सी में बच्चे निकालेंगे, तो सी में बच्चे निकालेंगे तो सी में कितना आपका 32,240 लोग हैं और उसका कह रहा है 20% हमारे क्या आपके बच्चे हैं, तो 32,240 का 20% मित्र निकालेंगे, तो ये जो हमारा जो लगभग जो निकलेगा जाकर के मित्र आपका 6,448 के समथिंग निकलेगा जाकर के, ठीक है। और हमारे सी में बच्चे इतने आ जाएंगे, और इसी प्रकार में किसकी आपके बी की बात कर रहा है, तो बी में मित्र बच्चे निकलेंगे कितना आपका 45,540 का, हम जब 40% निकालेंगे तो ये जो लगभग बनेगा 4×16, तो ये 16 आपका जो है 18,216 के समथिंग आपका बनेगा जाकर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका परसेंटेज बताना, तो सिंपल सा आपका बताना इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, 6,448 बटे में आपका 18,216। और अभी हमने बताया कि यदि आप कंफ्यूज होता है कि किसको नीचे लिखें किसको ऊपर, तो जिसकी तुलना किसकी बी करी जा रही थी, तुलना क्योंकि बी का चयन करने वालों की संख्या का कितना परसेंट, तो बी की तुलना की जा रही थी इसलिए हमने बी का नीचे लिखा और इनटू में आपका 100 कर देंगे, ठीक है 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ आप लोग दिमाग लगाएंगे तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। मान लेंगे आपका नीचे 18 लिखा हुआ ऊपर आपका 60 लिखा हुआ है, तो ये हमारा 20 से 60, तो हमारा जो आंसर बनेगा लगभग जो बनेगा आपका ये 30% के आपका समथिंग बनेगा जाकर के, 24 का आपका जो बनेगा मित्र आपका पहला ऑप्शन बनेगा 35% आपका 35.40% आपका बनेगा। हमने कैसे मान लिया आपका 18 है, तो 18 की जगह हमने 20 मान लिया, ऊपर हमने 60 मान लिया, तो 20 से 60, तो ये पता चलेगा हमारा 30 के ऊपर ही आंसर जाएगा, तो केवल आपका 30 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट बनेगा। तो आप लोग ये टेक्निक आप लोग सीख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो आप बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए 85 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है भाई, सभी लोग आंसर जरूर करते रहेगा, इससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत ही एक्टिव हैं। 85 ठीक है, सभी लोग बिल्कुल, रूबी जी, अंकित वर्ष शर्मा जी, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी बात करें उत्पाद अब, तो उत्पाद अब की बात करें, तुरंत हमने उत्पाद अब में सर्कल लगा लिया, ठीक। उत्पाद अब कहां भाई साहब, आपके यहाँ पे बैठे हैं, फिर उसमें चयन करने वाले पुरुषों की संख्या, आपकी पुरुषों की बात कर दी, तो हमने पुरुष देखेंगे इसमें कितने आपके 40% पुरुषों की संख्या है। कह फिर कह सभी उत्पादों का चयन करने वालों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, कह रहा कि सभी उत्पादों का चयन करने वालों की संख्या का कुल कितना परसेंट है। हमने बोला ना कि क्वेश्चन को पढ़ने ही आपका बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपका यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो चलेंगे यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, आपके एफ में पुरुषों की संख्या निकालेंगे, तो हमारा एफ में आपके पुरुषों की संख्या यहाँ पे निकालेंगे, तो हमारे कितने निकलेंगे आपकी 53,990 का, यदि हम 40% मित्र निकालेंगे तो हमारा ये लगभग जो बनेगा जाकर के आपका
कितना बनेगा आपका 21596 के समथिंग बनेगा जाकर के, ठीक है। तो हमारे एफ में केवल पुरुष बनेंगे हमारे 21596। और फिर इसके बाद क्या कह रहा था कि संख्या का सभी उत्पादों का चयन करने वालों की संख्या, अब सभी उत्पादों का चयन करने वाले हमारे इतने हैं टोटल, तो हमें इन सभी का आपका योग करना पड़ेगा, ठीक है, योग करना पड़ेगा। हमारे योग करेंगे, ध्यान से करिएगा, तुम्हारा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। 9 3 12 12 3 15 4 19 19 4 23 23 4 कितना हो जाएगा आपका मित्र, 31 हो जाएगा, 1 3 बचेगा। 9 3 12 2 14 14 4 कितना 18 2 20 5 25 2 27 सीएन बचा, 2 कैरी बचा हमारा, फिर 2 3 5 5 6 11 2 13 और 13 5 18 6 24 2 बचा हमारा कैरी, 5 2 7 3 10 6 16 3 19 19 4 23 और 23 4 कितना हो जाएगा मित्र 27, तो 27 आपका जो बनेगा, ठीक है। तो हमारे ये जो बनेगा आपका कितना बनेगा, 1,10,000 तो 2,74,710 हमारे जो है टोटल यहाँ पे आपके बने। अब क्या कह रहा था कि इन्हीं का लगभग कितना परसेंट बनेगा, तो हमारे अपॉन में कर देंगे 2,74,710 इंटू में आपका 100 कर देंगे। बट अब इसको क्या करेंगे, काट पीट लेंगे, तो काटे पीटेंगे तो हमारा कितना आंसर बनेगा देखिएगा, तो मोटा मोटा इसको काटेंगे तो लगभग मान लेंगे हमें यहाँ पे 25 जो है आपका 2,50,000 के समथिंग लिखा हुआ है, तो डबल 0 आपका 25 चौके हो जाएगा, तो 21,84 समथिंग, मतलब कि 8% के समथिंग आपका ये बन सकता है 85, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आपका नंबर बिल्कुल सी आपका 8% आपका बिल्कुल राइट बनेगा। हमने आपको जो है यहाँ पे कैसे टेक्निक लगाई, मान लिया हमने यहाँ पे 27 की जगह हमने जो है 25 मान लिया, ठीक है, 25 मान लिया और इसको मैंने 25 निकाल लिया, 25 चौके 100, तो यहाँ पे 21 और चौके कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8, तो मतलब कि हमारा जो आंसर बनेगा मित्र आपका 8% के समथिंग बनेगा। ऐसे आपको टेक्निक आ गए तो समझ लीजिए कैलकुलेशन बहुत आगे चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। 86 नंबर दूसरा डीआई का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। हमने बोला आपका डीआई को क्वेश्चन करने के लिए आपकी बात जैसी नजर होनी चाहिए और आपकी जो है यहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। 90 नंबर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, पहले समझ लेंगे आपका डीआई बेसिकली क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ का एक महीने में 5 अलग अलग परिवार दिए गए, मतलब कि हमारे ये बार ग्राफ है और हमारे ये 5 परिवार दिए गए, ए से लेकर के आपके ई तक आपके 5 परिवार दिए गए, बिल्कुल। वेरी गुड, थैंक यू ओम प्रकाश जी। ए से लेकर के आपके ई तक यहाँ पे दिए गए। कह रहा है कि इसमें आपके टीवी शो को दर्शाता, मतलब कि हमारे टीवी शो को दर्शा रहे 15 20 25, और इनके भी देखेंगे आपका लाइन कितनी लिखी हुई है हमारी 1 2 3 4, मतलब कि 4 आपका जो 15 16 17 18 19, मतलब कि आपका एक एक पर आपकी ये लाइनें दी गई, 35 36 37 48 39 40, देखिएगा हमने क्या समझ लिया आपका डीआई, तो समझ लिया। चलिएगा पहला क्वेश्चन आप समझते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा कि महीनों में पांचों परिवारों द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्या बतानी है। कह रहा कि पांचों परिवारों द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्या, तो हमने बताया क्या कि डीआई को करने के लिए आपको बात जैसी नजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ए में कितना हो रहा है, तो ए में हमारा जो है टोटल आपके 28, क्योंकि आपका 25 और 26 27 28, तुम्हारे 28 लोग आपके टीवी शो देख रहे हैं। और इसी प्रकार बी में देखेंगे हमारा 25 से एक नीचे, मतलब कि आपके 24 लोग आपका टीवी शो देख रहे हैं। इसमें मित्र आपका 20 लोग टीवी शो देख रहे हैं। और डी में हमारा मित्र देखेंगे आपका कितना देख रहे हैं, तो आपका 25 लोग यहाँ पे टीवी शो देख रहे हैं। और ई में आपका देखेंगे आपका ई परिवार में आपके 35 लोग टीवी शो देख रहे हैं। अब यही कह रहा है कि पांचों परिवारों द्वारा देखे गए टीवी शो की कुल संख्या बात कर रहा है, तो हमें क्या करना, कुल संख्या हमें टोटल कर लेना है। टोटल करेंगे कैसे, अरे 20 20 40 45 50 30 कितना हो जाएगा 50 30 80, और 80 20 कितना हो जाएगा 100 104 112 112 और 20 कितना बनेगा जाकर के, ये मित्र 132 के समथिंग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, 132 इज माय राइट आंसर बनेगा, देखेगा। वेरी गुड सोनी यादव जी, थैंक यू। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 87 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और सभी लोग यहाँ पे आंसर करिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमने। चलेगा कह रहे कि परिवार ए और सी द्वारा देखे जाने वाले टीवी शो की संख्या के अंतर, और कह रहा परिवार बी और डी द्वारा देखे जाने वाले टीवी शो की संख्या के अंतर का योग बताना। पहले देखें हमारा ए कहां पे आपका, ए ये है, तो ए में हमारे कितने लोग देख रहे थे, तो जस्ट अभी हमने बताया है तो आपका 28 लोग आपके देख रहे हैं, ठीक है। और हमारा इसके बाद किसकी, आपकी सी की बात कर रहा है, तो सी में कितने लोग मित्र देख रहे हैं, तो हमने बताया था आपका 20। तो कह रहा ए और सी में देखने वाले टीवी शो की आपका अंतर बताना, तो हमारा जो ए और सी का अंतर जो बनेगा आपका कितना बनेगा, यहाँ पे 28 और 20 के बीच का अंतर कितना आपका 8 बनेगा, ठीक है। हमारे जो पहला आपका आधा क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका सॉल्व हो चुका है। फिर कह रहा है इसके बाद कह रहा है कि परिवार बी और डी, अब परिवार बी की बात कर रहा, परिवार बी में हमारे कितने लोग हैं, तो आपके 24 लोग टीवी शो देख रहे हैं। और डी में कितने मित्र देख रहे हैं, यहाँ पे आपके 25 लोग टीवी शो देख रहे हैं। अब कह रहा है इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का हमारे बी और डी के बीच का अंतर कितना बनेगा आपका, यहाँ पे आपका मित्र 24 है बी में और इसमें आपका 25 है, तो इनके बीच का अंतर बनेगा 24 और 25 का आपका एक अंतर बनेगा। इसमें हमारा 8 अंतर बने था, इसमें आपका एक अंतर बना था। फिर क्या कह रहा है कि देखेगा टीवी शो के संख्या के अंतर का योग कह रहा, अब यहाँ पे योग निकालना है, तो इसका अंतर कितना आपका 8 निकला था, इसका आपका 1 निकला था, तो 8 1 कितना हो जाएगा आपका 9 बनेगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, 9 इज माय राइट आंसर बनेगा, जो कि दोनों संख्याओं के अंतरों का योग, ठीक है। देखेगा बिल्कुल याद तैयारी जी, कंपटीशन जी आपका वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सोनी यादव जी, ओम प्रकाश जी वेरी गुड, सभी लोग इसी प्रकार राइट आंसर करेंगे तो हमें भी जो है अच्छा लगता है। तो सभी लोग भाई आंसर जरूर करिएगा, गलत या सही आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी गलती क्या हो रही है, हमारी गलतियां क्या हो रही हैं, और आप उससे सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जरूर आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका आंसर करने से आपको पता चलेगा कि हमारी मिस्टेक कहां हुई, उस पर सुधार करेंगे। यदि आप आंसर ही नहीं करेंगे तो आप सुधार ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 86 नंबर क्या कह रहा है,
कर रहे परिवार सी, तो हमने देखा सी हमारा कहां पे आपका सी है, कर रहा है ए और बी, अब कर रहा है फिर कर रहा है ए और बी, ठीक है हमने सर्कल लगा लिया। मैं देखेगा टीवी शो की संख्या का औसत, कर रहा देखेगा टीवी शो की संख्या का औसत, तो हमने ए में कितने निकाले थे मित्र, हमारे जो हमारे ए में निकले थे आपका 28 निकले थे, बी में हमारे मित्र कितने 24 निकले थे और सी में हमारे कितने 20 निकले थे। अब कह रहा इन तीनों टीवी शो को देखने वालों का औसत बताना, तो औसत बताओ, हमने फॉर्मूला क्या बताया था मित्र, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 28, 24, 20 जोड़ेंगे तुम्हारा कितना बनेगा 28 और 32 और 32 कितना 42, 42 आपका 62, तो 62 बटे हमारा जो बनेगा मित्र आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका 3 बनेगा, ठीक है 62 बटे 3। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, यहां तक समझ में आया है कि नहीं ये बताएंगे। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हमें, अब यहाँ पे काटे पीटेंगे नहीं क्योंकि हमारा जो अनुपात की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है आधा और पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि परिवार डी और ई, अब परिवार डी देखेंगे हमारा कहां पे आप ये और परिवार ई है, ये कह रहा है कि देखेगा टीवी शो की संख्याओं के औसत का अनुपात, अब डी में कितने आपके 25 लोग देख रहे हैं टीवी और ई में मित्र आपका कितने आपके 35 लोग टीवी देख रहे हैं। अब कह रहा है कि इनका औसत, तो इनका औसत निकालेंगे तो कुल पदों का योग बटे कितना संख्या निकलेगी, तो 25 और 35 जोड़ेंगे मित्र कितना बनेगा आपका 25, 50, 5, 30, 30, 60, तो 60 बटे 2 मतलब कि आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका 30 बनेगा, ठीक है। तो इसका औसत हमारा डी और आपका ई का 30 आया और इसका हमारा 62 बटे 3। अब कह रहा है इनका अनुपात बताना, तो 62 बटे 3 रेशियो हमारा जो है 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आपका जो कटेगा हमारा 2 से तो कटे जाएगा, ठीक है 2 से आपका काट लेंगे मित्र, 2 से कटेगा और किसी से भी कट सकता है क्या देखेंगे, ये जो बनेगा आपका 8, 4, 12 बनेगा, ठीक है और 2, 2, 4, 2, 6 और सॉरी यहाँ पे आपका जो है 62 नहीं आपका 72 बनेगा। आपकी कैलकुलेशन यदि गलत हो जाती है तो भाई कमेंट बता दिया करें कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही, तो यहाँ पे आपका 72 मित्र बनेगा, सॉरी फॉर आपका कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है हो चुका था, 72 होगा आपका मित्र, तुम्हारा 72 बनेगा, हमारा 30 से काटेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, तुम्हारा 24 और 30 बनेगा। अब इसको 2 से का जो है 6 से काट जाएगा, 6 चौक 24, 56, 30 तुम्हारा जो रेशियो बनेगा 4:5 बनेगा। तो यहाँ पे आपका नंबर जो बनेगा पहला आपका ऑप्शन नंबर डी बट 4:5 बनेगा आपका, 2:5 नहीं होगा। आप रवि जी आपकी या तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई या आपने कहीं पे कैलकुलेशन कर दिया है, ठीक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, ऑप्शन नंबर 88 का मित्र ए राइट बनेगा आपका, डी नहीं होगा, आपने कहीं पर थोड़ा सा यदि मिस्टेक किया है तो आपका जो है हो चुका है 89 देखेंगे। 89 भाई सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, तभी हमने बोला है कि आपको बहुत सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 89 नंबर देखेंगे क्या करें, करीब परिवार ए और सी द्वारा देखेगा टीवी शो की संख्या के बीच का अंतर, हम देखेंगे ए हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ए में कितने हमारे थे 28 लोग थे और सी में हमारे कितने 20 थे, कह रहा है कि इनके द्वारा टीवी शो की संख्याओं के बीच का अंतर, तुम्हारा इनका अंतर कितना निकलेगा आपका 28 और 20 के बीच का अंतर आपका जो है 8 निकलेगा, ठीक 8 निकलेगा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि परिवार डी और ई द्वारा एक साथ देखेगा टीवी शो के संख्याओं के योग का कितना परसेंट है, अब कह रहा है परिवार डी और ई की बात कर रहा है, ठीक है हमने डी और ई में तुरंत आपके नजर पड़ी हमारी किस पे डी पे पड़ी और आपकी ई पड़ी, तो डी में हमारे कितने 25 लोग हैं, ठीक है और ई में हमारे कितने 35 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डी और ई द्वारा देखे गए एक साथ देखे गए टीवी संख्याओं का योग, अब यहाँ पे योग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम योग निकालेंगे 25 और 35 का मित्र योग निकलेगा, यहाँ पे जो बनेगा आपका 60 बनेगा, ठीक है कह रहा है कि योग के संख्याओं का कितना प्रतिशत है, तो किससे तुलना कर आपका डी और ई के योग से, तुम्हारे नीचे आपका कितना आपका 60 आ जाएगा, ऊपर आपका 8 आ जाएगा और इंटू में आपका 100 बनेगा, तो 0 से 0 आपका मित्र कट जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 दूनी 6 बनेगा और 2 4 8 बनेगा, तो 40 बटे 3 आपका मित्र बनेगा, तो देखेंगे कौन सा आपका 40 बटे 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जैसा किसी दिख रहा है 13 सही 1/3 ऑप्शन नंबर सी आपका मित्र बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है 4:5 आप देखिए राइट आंसर आया रवि जी का, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए 90 नंबर देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ा है, परिवार बी द्वारा देखे गए देखे जाने वाले टीवी शो की संख्या, भाई ध्यान से आपको जो पैसेंस बनाकर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, डी द्वारा जो हमारे देखे जाने वाले टीवी शो की संख्या, अब भी हमारा काम भी आपका ये है, तो बी द्वारा हमारे देखे जाने वाले टीवी शो की संख्या कितनी आपकी मित्र, यहाँ पे 24 बनेगी, ठीक है 24 बनेगी। अब कह रहा है कि परिवार डी और सी द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्याओं का औसत, अब किसके पर अब किस पे आएंगे हमारा हमारा भी हमारा आएगा किस पे डी और सी पे आएगा, ठीक है सी और आपका डी पे आएगा, तो डी में हमारे कितने आपके 25 लोग हैं, ठीक है और हमारा सी पे कितना आपका 20 है, डी और सी द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्याओं का औसत, तो इनका हमारा औसत कितना निकलेगा, तो अभी हमने बताया औसत द्वारा फॉर्मूला क्या होता है मित्र, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तुम्हारा 25 और 20 का हमारा एवरेज हमारे जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 45 बनेगा और 45 बटे 2 तो हमारा किसका इसका औसत बनेगा, ठीक है हमने औसत निकाल लिया। फिर क्या कर रहा है वो कह रहा है और ई द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्या के आधे के अंतर से कितना अधिक है, देखेंगे थोड़ा सा आपका यहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन है आपका मित्र 90 नंबर, ठीक है अब इसकी बात हमारा क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इसके बाद औसत संख्या कह रहा है ई द्वारा देखे गए टीवी शो में की संख्या के आधे के अंतर से कितना अधिक है, अब कह रहा है ई द्वारा, तो ई द्वारा हम देखेंगे ई में कितने आपके टीवी शो देख रहे हैं, तो ई में हमारे मित्र कितने देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ई में आपके कितने देख रहे हैं यहाँ पे 35 देख रहे हैं, 35 का आपका आधा कह रहा है, तो 35 का आपका आधा कह रहा है 35 के आधे कह रहा है ई द्वारा देखे गए टीवी संख्या के आपके आधे से
आधे के अंतर से कितना अधिक है, मतलब कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमारा 45 और हमारा माइनस 35 बटे 2 का अंतर निकलेगा, हमारा 0 बनेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे कितना मित्र बनेगा, आपका 1 बनेगा, ठीक है, अपान में 2 हो जाएगा, तो हमारा जो बनेगा आपका 5 बन जाएगा, ठीक है। इसका जो हमारा अंतर जो बनेगा मित्र आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका 5 बन जाएगा, यही कह रहा था क्या, देखेंगे क्वेश्चन को, 20 और ओके प्लस 25 माइनस 35, ठीक है, हमारा 5 आ चुका है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि हमारा जो कह रहा कि आपका अधिक बचना है, हमारा डी में बी में कितना आपका 24 था और हमें यहाँ पे हमारा कितना 5 हो रहा है, हमारा कितना अधिक हो रहा है मित्र 24 से, मतलब कि 5 से आपका 24 हो रहा है, तो 5 से 24 हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे लिख देंगे, बाकी आपको इसको रख कर लेंगे, कोई दिक्कत या परेशानी, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आपका जो है इनका जो हमारा आया था कितना आपका 5 आया था, ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना 5 आया था। अब कह रहा है कि हमारा कितना अधिक है, तो ये हमारा 24 है, ये हमारा 5 है, तो कितना अधिक है हमारा, ये हमारा 19 अधिक है, 19 किससे आपका 5 से अधिक है, तो इनटू में आपका 100 हो जाएगा, 5 काटेंगे तो हमारा 20 बनेगा, तो 19 दुना 8 मतलब कि 380% आपका अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, तो बी हमारे जो परिवार में टीवी वालों की संख्या होगी आपकी 20% आपकी, सॉरी 380% आपके अधिक दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका। सभी को समझ में आया ये कि नहीं आया, ये बताएंगे समझ में आया है कि नहीं आया, बाकी आपको दोबारा से नहीं तो बताया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा, 345 नहीं होगा, आपने फिर कहीं पर रवि जी मिस्टेक कर दिया है कैलकुलेशन की, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है डीआई करनी चाहिए। चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका ये क्वेश्चन जो है लास्ट में कराया जाएगा, बाकी अगला 96 देखेंगे, ठीक है, 96 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहा कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट है, कह रहा एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है, और कह रहा चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए। समझ में नहीं आया, किसको नहीं समझ में आया, बिल्कुल ओम प्रकाश जी आप लोग क्या करिएगा दोबारा से देख लेंगे फिर, ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देंगे या हमें मैसेज कर देंगे, ठीक है, आपको दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा। कह रहे दिए गए प्रश्न के उत्तर में कह रहे सभी मान डिग्री में दिएगा, हमने क्या बोला था कि जब भी क्वेश्चन आपका सर्कल का है, यदि डिग्री की बात करेगा तो हम 360 डिग्री मानेंगे, यदि परसेंटेज की बात करेगा तो हम 100% मानेंगे, और उन पर जो है ये सारा सभी कुछ आपका खर्चा दिया गया, मतलब एक विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय में आपका दोबारा आधारभूत संरचना पर 50% का खर्चा, आपका स्कॉलरशिप है 46%, आपका इस प्रकार से ये जो है खर्चा आपके दिए गए। मानसी द्विवेदी आपका समझ में नहीं आया है ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी थोड़ा सा हमें करना क्या था कि हमें पहले क्या करना आपका बी का निकालना, ठीक है, हमने बी का आपका निकाल लिया था, तो बी का हमारा कितना निकला था यहाँ पे आपका 24 निकला था, ठीक है, 24 निकला था, फिर इसके बाद करा डी और सी का ऑप्शन निकाला, तो डी और सी का हमने जो ऑप्शन निकाला था कि आपका 45/2 निकला था, फिर कर आपका ए का आता तो हमारे ए का आया था कितना आपका 35/2, कह रहा है इनके बीच का अंतर कितना निकला था हमारा 5 निकला था, तो यही कह रहा था तुम्हारा 5 आया है, हमारे इससे कितना अधिक है तुम्हारा 24 से कितना आपका 19 अधिक है, तो 19/5 हो जाएगा, मतलब कि आपका 380% बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आपको ओके कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये 96 ये वाला था, ठीक है, यहां तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, भाई थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा अपने अंदर पैटर्न बनाकर रखिएगा, आपको जो है जरूर क्वेश्चन आएगा। चले कह रहा कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, कह रहा कार्यक्रम की तुलना में कह रहा कि अनुसंधान पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, तो हमने बोला था कि जब भी आपका एग्जाम में तुलना की बात की जाए, तुलना की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए या प्रतिशत की बात की जाए, ठीक है, या रेशियो की बात की जाए, तो हमेशा याद रखेंगे आपकी मेन वैल्यू से कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, आपका जो है यहाँ पे जैसे संख्या दी गई कि उसका 80% निकालेंगे फिर इसका जो है निकालेंगे, ये कभी भी गलती नहीं करना जब भी तुलना की जाए। तो कह रहा कि तुलना कह रहा कि कार्यक्रम तुलना में अनुसंधान पर, कह रहा अनुसंधान पर कितना आपका 65% का जो 65 डिग्री का खर्चा हो रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कार्यक्रम में कितना आपका कार्यक्रम पर आपका 35 डिग्री का खर्चा हो रहा है, तो यही कह रहा है कि आपका लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्चा हो रहा है, तो 35 से 65 हो रहा है, मतलब कि 65 माइनस आपका 35, इतना तो अधिक खर्चा हो रहा है, और किससे तुलना कर रहा है यहाँ पे आपका 96 का, तो हमारा 35 से कर रहा है, ठीक है, इनटू में आपका 100 बनेगा। थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर समझने का प्रयास करेंगे, आप आसानी से यहाँ पे समझ लेंगे, तो ये 65 से हम 35 घटाएंगे तो हमारा 30 बचेगा, 30/35 बनेगा और इनटू में आपका 100 बचेगा। यदि थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बिना जो है इसको सॉल्व करें आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। 96 का जो बनेगा ये लगभग जो बनेगा आपका मित्र 86% के समथिंग बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, बी माय राइट आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आया ये वाला कि नहीं, ये बताएगा 96 ऑप्शन नंबर, देखिए रवि जी का वेरी गुड, आपका बी राइट आंसर आ चुका है। चलेगा मान लीजिए यार आप डेली क्लास लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी पहली बार यदि आप जुड़ी होंगी तो आपको क्लास में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको पूरा यहाँ पे विद हेल्प आपको जो है पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है मानसी जी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे मानसी जी, कह रहे छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, कह रहे कि छात्रावास की बात करें, पर्टिकुलर छात्रावास, छात्रावास में कितना जो है हमारा 46 डिग्री का खर्चा किया जा रहा है, तो यही कह रहा है कि कुल खर्च का लगभग, अब कुल खर्च हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे, तो अभी हमने बताया कि कुल खर्च की बात करेगा तो हमने बोला कि जब हमारे डिग्री में दिया हुआ तो हम 360 डिग्री मानेंगे, या परसेंटेज में दिया हुआ तो हम 100% मानेंगे। हमारा छात्रावास में कितना 46 डिग्री है, हमारा कुल खर्च कितना 360 डिग्री का हो रहा है, मतलब कि पूरा सर्कल हमारे खर्ची का तो दिया गया है विश्वविद्यालय का, और इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको भाई साहब काट पीट लेंगे, अब काटेंगे पीटेंगे कैसे, अब ये आपका जो है मेन मुद्दा है।
ऊपर देख लें आपका 46 लिखा हुआ है, नीचे 36 लिखा हुआ है, तो 46 और 36 जो बनेगा आपका, ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा ओके 10% के आपका ऊपर जो है आंसर बनेगा जाकर के, ठीक है 10% के ऊपर बनेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी तो आपका नहीं बनेगा। अब हमें जो है तीन ऑप्शन कंट्राडिक्ट करके तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपके जो है सॉल्व नहीं होते बाय ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 12.7% ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक बिल्कुल। अगला देखेंगे यहाँ पे 98 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितने भी बड़े होंगे वो सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो देख लेंगे आपका ये भी सिंपल क्वेश्चन है बट आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। करें यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की गई कुल राशि, करें कुल राशि जो हमारी है हमारी कितनी आपकी 1,00,00,000,10,0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 0,
कह रहा है कि आधार वो संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि का कितना अधिक है। तो यहाँ पे कह रहा है किसकी आपकी आधार वो संरचना, तुम्हारा आधार वो संरचना पर कितना आपका 50 डिग्री का खर्चा हो रहा है। इसके बाद किसके का कह रहा आपका छात्रावास, तो छात्रावास मतलब कि हॉस्टल पर, तो हॉस्टल पर आपका 46 डिग्री का खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा कितना अधिक खर्चा हो रहा है, मतलब कि 46 डिग्री से आपका 50 डिग्री हो रहा है, मतलब कि आपका केवल केवल आपका 4 डिग्री का खर्चा हो रहा है, 4 डिग्री का खर्चा हो रहा है। और अभी हमने बताया कि कुल राशि का मतलब हमने जो है 360 डिग्री बताया, कि हमने सर्कल का बताया कि या तो कोण की बात करेगा तो 360 डिग्री बनेगा, परसेंटेज की बात करेगा तो हमारा 100 डिग्री बनेगा। तुम्हारा 360 डिग्री बराबर कितनी दी गई वैल्यू, हमारी 1,80,00,000 दी गई है, ठीक है। ये आपको जो घबराएगा नहीं इतनी बड़ी आपको वैल्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 0 से 0 मित्र आपका कट जाएगा, ठीक है। 36 से काटेंगे तुम्हारे 36 पंचे तुम्हारा होता है कितना आपका 80 होता है, 36 बंदे आपका 180 बनेगा, तुम्हारा 1 डिग्री बराबर जो बनेगा हमारा 5, इसके बाद कितना आपका 4 0 बनेगा, मतलब कि 50,000 बनेगा। और हमें 4 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 4 डिग्री की निकालनी है, तो हमें 5 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा 2,00,000 बनेगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे रखेंगे। समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा, समझ में आया है कि नहीं आया बताएंगे। ये ऑप्शन नंबर बी आपका रखेगा, वेरी गुड रवि जी, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ए नहीं होगा। चलिए अगला 99 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और समझने का प्रयास करेंगे मित्र। कह रहा कि खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है। कह रहा है खेलों पर, कह रहा कि खेलों पर कितना आपका खर्चा किया गया, पहले ये देख लेंगे। तो खेल पर हमारा मित्र कितना आपका 82 डिग्री आपका खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, सॉरी 52 डिग्री, 82 नहीं होगा, 52 डिग्री खर्चा किया जा रहा है। और कह रहा है कि शिक्षा की तुलना पर कितना आपका 80 डिग्री जो है खर्चा किया जा रहा है, 80 डिग्री खर्चा किया जा रहा है। तो यही कह रहा है कि आपका जो है खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना परसेंट खर्चा कम किया जा रहा है। तो अभी हमने बताया किससे तुलना कर आपका शिक्षा की तुलना कर रहा है, तो शिक्षा भाई साहब हमारी नीचे आ जाएगी, तो 80 डिग्री हमारा जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। 80 डिग्री आपका मित्र नीचे हो जाएगा, और कितना कम खर्चा हो रहा है, तो मतलब कि 80 डिग्री पहले हो रहा था आपका 52 डिग्री हो रहा है, और इंटू में आपका 100 हो जाएगा। तो यदि 80 से 52 घटाएंगे तो हमारा 28 और रखना 60 20 28, तो 28 बने हमारा 80 डिग्री हो जाएगा, इंटू में आपका 100 बनेगा। अब इसको मित्र काट पीट लेंगे तो हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और इसको 8 से काटेंगे तो लगभग जो बनेगा जा सके ये 280 जो कटेगा आपका, 8 3 24 बनेगा, और 45, तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी जैसा दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बनेगा, समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं ये बताएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहा कि यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्र पर खर्च की गई राशि 1.8 करोड़ थी, मतलब कि 1,00,000 जो हमारी 1,80,00,000 थी, तो कह रहे शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च कितना है। तो देखेंगे शिक्षा पर कितना आपका 80 डिग्री हो रहा है, शिक्षा पर आपका 80 डिग्री का खर्च हो रहा है, और अनुसंधान पर कितना आपका 65 डिग्री का खर्च हो रहा है। तो कह रहा है कि इनका कुल खर्च, तुम्हारा कुल खर्च कितना बनेगा, हमारा कुल 80 और हमारा 65 को मित्र जोड़ेंगे, तुम्हारा जो 5 बनेगा वो 8 से 14, मतलब कि 145 डिग्री का हमारा कुल खर्च बनेगा जा करके यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि आपका कुल राशि हमने कितना 360 डिग्री बराबर हमने आपका 1,80,00,000 जो है माना है, तो कितना हो जाएगा आपका 5,01,02,03,21,22,27,28,29,30,10,00,000, तुम्हारा 1 जीरो और हो जाएगा, तो मतलब कि आपका इतना जो है 360 डिग्री बराबर हमारा इतना है। तो कह रहे आपका 145 डिग्री बराबर हमें निकालना है, तुम्हारा 0 से 0 मित्र आपका कट जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे हमारा 36 से आपका जो है 50 5 बार जाएगा, तुम्हारा 1 डिग्री बराबर हमारा यहाँ पे आया था कितना आपका 50,000 मित्र आया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे आपका 50 का जो है 145 में गुणा करेंगे तुम्हारा कितना बार जाएगा, तो 145 डिग्री बराबर हमारा कितना बनेगा आपका यहाँ पे 55 25 और 14 5 70 और कितना हो जाएगा आपका 72 बनेगा, 72 बनेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा ये हमारा 4 0 और, ठीक है, 7 25 के बाद हमारा 4 0 और बनेगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 100 का बनेगा ऑप्शन नंबर पहला पार्ट में। तो देख सकते हैं आपका जो है कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, तो आपको करना क्या, आपको बहुत ही सावधानी से करना है, आपको एक एक जो है दशमलव देख के लगाना है, एक एक जीरो देख के लगाना है। देख सकते हैं आपको जो है दो दो ऑप्शन दिए हुए थे, यदि आप लोग को थोड़ा सा चूक जाते तो ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते थे, तो यहाँ पे मित्र ऑप्शन नंबर पहला पार्ट बनेगा। समझ में आया ये वाला कि नहीं आया ये बताएगा। चलिए अगला आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट चुका था, सभी लोग बताएंगे वो कराया जाए कि नहीं कराया जाए, बताइएगा कमेंट में। चलिए करा देते हैं आपका, नहीं तो आप लोग मलाल करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन नहीं कराएगा, ठीक है। 91
91 से 95 कह रहा है निम्न आरेख को अध्ययन करें, मतलब कि ये हमारा आरेख दिया हुआ है मित्र और इसको अध्ययन करना कह रहा है 2001 से लेकर के आपका 2006 तक 6 वर्षों के दौरान कह रहा है प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी शामिल होने और कह रहा कंपनी के छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई। अच्छा कंपनी में शामिल होने वाले जो बनेंगे, अच्छा शामिल होने वाले कौन होंगे कंपनी में, तुम्हारे ज्यादा व्यक्ति बनेंगे, ज्यादा संख्या होगी हमारी वो शामिल वाले होंगे और जो छोड़ने वाले होंगे तुम्हारे कम वाले होंगे, तुम्हारा कम संख्या दी होगी हमारी वो जो है छोड़ने वाली होगी। जिससे हम पे 2001 में बात करेंगे तो 2001 में हमारे शामिल होने वाले आपके कैंडिडेट हैं और 400 होकर छोड़ने वाले, इसी प्रकार 2002 में आपके शामिल होने वाले हो जाएंगे 600 और आपके छोड़ने वाले कितने 400 हो जाएंगे। तो हमारे जो ऊपर लिखे होंगे वो हमारे शामिल होने वाले हो जाएंगे और छोड़ने वाले आपके नीचे वाले। तो आपको ये तो समझ में आ गया फिर संख्या दर्शाता है और कह रहा है वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना ही कंपनी छोड़कर गया, मतलब कि 2000 में आपका सन 2000 आपका दिया नहीं गया, बट यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है कि ना तो कर्मचारी कोई आया है और ना ही कोई छोड़कर गया, बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या बोली कि वर्ष 2004 में आपका 2000 में कर्मचारियों की संख्या प्रारंभिक संख्या कितनी आपकी 5000 दी गई, मतलब कि 2000 का आपका कितना यहाँ पे दिया गया 5000 कर्मचारियों की संख्या केवल आपकी दी गई। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका और यहाँ पे 5000 अभी हमने बताया कि आपके सन 2000 की बात की गई है, ठीक है 5000 किसके 2000 वर्ष की बात की गई है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह जा कर रहा है कि 2003 के दौरान, कह रहा है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो 2003 हमारा काम है हमने सर्कल तुरंत हमने लगाया है, आप कह रहा है कि इसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या मतलब कार्य कर रहे हैं इस टाइम पे, तो यहाँ पे हमने देखा था कि आप जो यहाँ पे 2003 में 600 कर्मचारी जो थे हमारे वो शामिल थे, ठीक है ये हमारे पहले हमारे शामिल थे और 550 जो हमारे क्या आपके छोड़कर चले गए, छोड़ के आपके चले गए हैं, ठीक है ये हमारे छोड़ के आपके चले गए। तो हमारे कर्मचारी कितने 2003 में कितने थे आपके, पहले हमारे 600 हमारे यहाँ पे कर्मचारी थे जिसमें आपके 550 आपके जो है छोड़ के चले गए, तो कितने बचे आपके यहाँ पे 50 कर्मचारी जो बने और 50 हमारी संख्या आपकी किसमें दी गई थी आपकी, तो ये हमारे जो बनेगा आपका 5000 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका जो 100 में आपका सैकड़ों में बात की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे, तो कर्मचारी करने वाले के बिल्कुल पता, देखिए कंपटीशन जी का बिल्कुल राइट आंसर आया है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा मित्र, ठीक है चलेगा। चलिए अगला देखिए 92 नंबर, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे ध्यान से तो समझ लीजिए आपका 50% क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, पढ़ने का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपका यहाँ पे। कह दी गई अवधि के दौरान कह रहा है किस वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात है। कह रहा है कि शामिल में होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या मतलब जितने भी आपके शामिल हो रहे हैं उसकी न्यूनतम संख्या, तो शामिल वाले की न्यूनतम संख्या कौन सी देखेंगे, तो अभी हमने बताया शामिल वाले कितने हो जाएंगे, जितने आपके ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे हमारे शामिल वाले हो जाएंगे, ठीक है ये आपके शामिल वाले हो जाएंगे। तो शामिल वाले में न्यूनतम संख्या कौन सी बनेगी, तो हमारे ऊपर 500 है 600 है आपका 600 है आपका 700 है और आपका 600 हो जाएगा 700 हो जाएगा, तो इन सभी में देखा होगा आपका जो न्यूनतम बन रहा है मित्र आपका जो है 500 केवल बन रहा है, क्योंकि हमारे 2001 में केवल आपके 500 जो हमारे न्यूनतम शामिल हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारे जो है आगे क्या कह रहे हैं कि कंपनी छोड़ने वालों की कर्मचारियों की अधिकतम संख्या, अब छोड़ने वाले हमारे कितने थे आपके सारे नीचे थे और उसमें देखा आपकी अधिकतम संख्या, इसमें 400 छोड़ रहे 450 550 500 550 और 650, तो कह रहा है कि छोड़ने वाले की अधिकतम संख्या, तो हमारे छोड़ने वाले कितने आपके 2006 में सबसे ज्यादा किसमें दिख रहे हैं आपके 650 में, ठीक है। अब कह रहा है कि इनके बीच का अनुपात बताना, तो रेशियो जस्ट हमें बताना है कुछ नहीं करना, रेशियो निकाल लेना है, तो 500 में कितना बनेगा जाकर के आपका यहां पे 600 बनेगा जाकर के, ठीक है। यहां से समझ में आया कि नहीं, यदि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो आप बता भी सकते हैं यहां पे, ठीक है ओके। 650 आपका यहां पे जो बनेगा आपका इसका हो जाएगा ये, और तो यहां पे आपका जो है सॉरी फॉर दैट आपका यहां पे 450 हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम जो हमारे यहां पे होंगे आपके 450 वाले हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, 600 नहीं होगा क्योंकि 600 इसमें जो है आपके छोड़ने वाले हो जाएंगे, कम की बात कर रहा है यहां पे 450 आपका बनेगा जाकर के, ठीक है। तो यहां पे 450 बटे में हमारे जो बनेगा आपका कितना बनेगा जाकर के आपका 650। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग चेक भी कर सकते हैं क्योंकि आपका थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, 500 भी हो सकता है क्योंकि 450 आपके जब 600 शामिल होगी तभी तो आपके 500 यहाँ पे छोड़कर जाएंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका या तो ऑप्शन गलत है या आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है, तो आप लोग ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है इसको प्लेलिस्ट में डालेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे 93 नंबर क्या कह रहा है कि किस वर्ष, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम हुई है। कह रहा है किसमें आपकी प्रतिशत वृद्धि हमारी कमी अधिकतम हुई है, तो यहाँ पिछले वर्ष की मतलब कि 2002 हमारा है, तो 2002 में किसकी बात कर रहा था हमारे छोड़ने वालों की, तो छोड़ने वाले हमने बताया जितने भी आपके नीचे लिखे होंगे सारे ये मित्र आपके छोड़ने वाले बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला उठा लिया किसका 2000, ऑप्शन ए उठा लिया हमने 2002 में उठा लिया, तो 2002 में हमारे जो यहाँ पे जो बन रहे थे कितने आपके पिछले वर्ष की तुलना में कर रहा कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या,
तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा आपका अभिष्ट, पिछले वर्ष कितना आपका 400 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है, हमने 400 लिख लिया पिछले वर्ष की तुलना में। और इसमें कितना मित्र बन रहा था यहाँ पे, ओके, आपकी वृद्धि कितनी हो रही है आपकी, यहाँ पे आपका जो 600, आपका बिल्कुल करेक्ट डाटा आपका 600 दिया हुआ है, बाकी आपका 400 यहाँ पे 450 हो जाएगा, कौन से आपके छोड़ने वाले हो जाएंगे, ठीक है, आपके 600 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी आपका छोड़ने वाले यहाँ पे 600 हो जाएंगे, आपका डाटा जो यहाँ पे आपको इस वाले में 2002 में आपका उल्टा दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 600 हो जाएगा, तो 400 से 600 मतलब कि 200 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 बनेगा, तो हमारे 00 से 00 कटेगा, मतलब कि आपका 50% की यहाँ पे आपकी वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है, बाकी सभी ऑप्शन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तुम्हारा जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, ठीक है, 2002 इतना ही राइट आंसर बनेगा। तो याद रखें आपका पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, तो यहाँ पर आपका आपका 450 ही बनेगा, ठीक है, 450 बनेगा आपका, कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, 500 नहीं होगा, ठीक है, केवल आपका ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन आपका 450 बनेगा, तो इसको काटेंगे जो बनेगा 0 से 0 आपका, यहाँ पे जो बनेगा आपका कितना 9 बनेगा और आपका 13 बनेगा, तो 9 रेशियो 13 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल सेकंड आपका राइट बनेगा, सॉरी पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, इसी प्रकार हमें सभी का चेक कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, तो आपको आपके लिए एसडब्ल्यू भी है, सभी को चेक भी करना पड़ेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। चलिए 94 नंबर देखेंगे, ये तो आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बताएंगे सभी लोग, चलिए कह रहा है कि 2002 में से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कह रहा है कर्मचारियों की संख्या की बात कर रहा है, तो 2002 में हमारे कर्मचारी कितने थे, तो अभी हमने बताया 2002 में यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कर्मचारियों की संख्या बनेगी कितनी आपकी देख लेंगे, आपके 2002 में साढ़े, और कह रहा कि लगभग कितने प्रतिशत की आपकी वृद्धि हुई है, टोटल हमारे कर्मचारी जो निकलेंगे 2002 तक हमारे कितने निकलेंगे यहां पे, क्योंकि 2002 से लोग लेकर के आपके 2003 तक पूछा है ना, पूरी आपकी पूछा है, तो यहां पे जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा आपका, ये पहले तो 2002 का हमने बोला था, आपका ये 5000 दिया हुआ है, सॉरी यहां पे आपका 2000 का दिया, कितना आपका 2000 का सन 2000 वर्ष का आपका 5000 दिया हुआ है, तो हमने यहां पे 5000 लिख लिया, ठीक है, 5000 लिख लिया, ठीक है, इसके बाद हमारा जो बनेगा यहाँ पे 500 बनेगा इसका 2001 का, यहाँ पे टोटल 2000 से लेकर के 2003 तक की बात कर रहा था, इसलिए हमने जो है यहाँ पे सभी का लिया है, फिर इसके बाद हमारे कितना आपका 450 दिया हुआ था, ठीक है, ये हमारे टोटल जो हमारे कर्मचारी निकल आए, और इसमें देखा रहा था कि यहाँ पे जो आपके छोड़ने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, छोड़ने वाले आपको हमारा ये 400 हो जाएगा और हमारा 600 हो जाएगा, मतलब कि आपके यहाँ पे 1000 लोग आपके छोड़ने वाले हो जाएंगे, हमारे जितने भी कर्मचारी बनेंगे काम करने वाले आपके इतने बनेंगे, तो हमारे 5950 हो जाएगा, तो हमारे 5950 से 1000 घटाएंगे, तुम्हारा यहाँ पे जो बनेगा आपका 4950 बनेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे, 4950 आपका यहाँ पे कर्मचारी बनेंगे, ठीक है, अब इसी प्रकार हमें जो इसका भी निकालना 2003 का, ठीक है, 2003 का हम निकालेंगे, तो यहाँ पे मित्र कितना बनेगा जा करके, ठीक है, ये वाला तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेंगे, ठीक है, पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको 2003 की बात करेंगे, तो यहाँ तक हमारे 2003 तक हमारे कितना पे यहाँ पे 49050 आया था, तो 49050 हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा भी जो हमारा बनेगा यहाँ पे बिल्कुल आपका 600 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2003 में हमारे कितने 600 दिया हुआ है, 600 और माइनस का कितना आपका 550 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे मित्र कितना बनेगा जाकर के, ये लगभग आपका 5000 के समथिंग बनेगा जाकर के, ठीक है, 5000 के समथिंग आपका बनेगा जाकर, यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि 2000 से लेकर के 2003, तो मतलब कि 2000 से लेकर के सारे ईयर के, और फिर इसके बाद कर रहा है 2003 के सारे ईयर के, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, तुम्हारा कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मतलब कि 5 आपका 49000 से आपका 5000 की लगभग वृद्धि हुई, तो लगभग यहाँ पे जो बनेगी आपकी 94 का ऑप्शन नंबर भी आपका